सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ शर्मा जी, सिद्धार्थ शर्मा जी,
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। जी हाँ, मौका है पांचवे वाइस चांसलर T20 डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट का और पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला दो बेहतरीन टीमों के बीच यहाँ पे खेला जाएगा। एक तरफ है डायरेक्टेड एजुकेशन और दूसरी तरफ है टीम सचिवालय है। एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपने पूल में क्लीन स्वीप किया है, तीन के तीन मुकाबले जीते। वहीं हम बात करें सचिवालय की, तो सचिवालय ने एकमात्र मुकाबला गवाया जरूर था HP यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग टीम के विरुद्ध, लेकिन वो बेहद ही रोमांचकारी मुकाबला था, सांसें रोक देने वाला। तो दो श्रेष्ठ टीमों के बीच मुकाबला, और जो विशेषज्ञ हैं वो ये इसे क्वार्टर फाइनल नहीं, उसे इस तरीके से देख रहे हैं कि ये फाइनल से पहले का फाइनल है। दरअसल दोनों कप्तान मौजूद हैं, इधर अनिल विश्वर जी जो सचिवालय के कप्तान हैं और इधर हेमंत जो कप्तान हैं टीम शिक्षा विभाग के, और अंपायर अनुराग गोविंद अनुराग के द्वारा, साथ में सचिव टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी श्री सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ है। कॉल करेंगे यहाँ पर, तो इसकी भी कॉल हैट्स ऑफ द कॉल एंड यस इट इज स्टिल अनिल टॉस के बॉस। थैंक यू वेरी मच। क्या फैसला? आज हम बैटिंग करना चाहेंगे पहले। जी हाँ, कि सेमीफाइनल जैसा मुकाबला शायद जो होता है चीज का उससे बचने का कारण है, या कुछ और देखा पिच में? नहीं, प्रेशर तो देखिए ऐसा है कि ऑर्गेनाइजर्स ने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये तो हमारा जो है एक आपस में गेट टुगेदर और जस्ट फिटनेस के लिए है, ये तो प्रेशर की तो बात ही नहीं आती है, एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं, एंजॉय करेंगे। क्या देख रहे हैं आप, अगर काजा कोई चेंज है टीम में इस फाइनल जैसे मुकाबले में? हाँ, आज हमारे तीन चेंजेस हैं, आज ब्रिजेश, भूपिंदर एंड रामपाल, ये तीनों अवेलेबल नहीं है, तो इनकी जगह आज हमारे पास है अजय, योगेश एंड अमित। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया हेमंत। शायद टॉस जीते आप ही बल्लेबाजी के लिए जाना पसंद करते, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई थी आपकी, बड़ी कमाल की हुई थी। जी बिल्कुल, अगर हम आज टॉस जीते तो हम पहले बॉल ही करते, टॉस हमारे पक्ष में रहा है, तो अब हम टीम सेक्टेड को कम से कम स्कोर पे रोकना चाहेंगे। कोई चेंज टीम में? जी, एक सावंत जी के जगह नीरज जी खेल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल टॉस यहाँ पे हो चुका है, टॉस जीत लिया है टीम सचिवालय के कप्तान अनिलेश्वर ने, और उन्होंने फैसला किया कि वो बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। टीम सचिवालय वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। मिलते हैं जैसे ही लाइव एक्शन होता है। थैंक यू।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूं और पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है, जो यहां पे खेला जाएगा टीम सचिवालय और टीम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बीच। टॉस जीते हैं अनिलेश्वर कप्तान सचिवालय और उन्होंने फैसला किया कि वो बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। और सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है पवन, बड़े दिलदार है अपना मोबाइल। फिलहाल गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ से वो तो विकेट, पहला ही बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ का बैकफुट पे गए, धकेला बॉल को ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट एरिया में। वहां पर फील्डर तेजी से बॉल पर आए लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों में आंखों आंखों में इशारा, दौड़ करके अपने अपने छोर परिवर्तित किए, खाता खोला पवन ने अपना और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विक्रम। टॉस जीतने के बाद पहले ये अच्छा शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल आने दिया करीब में, बॉल बल्ले से लगी कुछ देर हवा में थी लेकिन गेंदबाज के लिए कोई मौका नहीं कॉटन बोल्ड का। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो गेंदबाजी के बागडोर इस समय संभाली हुई है अंकुश देष्टा ने, काफी प्रभावित किया जीव गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री के पेज में, सभी का स्वागत और अभिनंदन। ऊपर का बॉल, बॉल की तह में जाना चाह रहे थे, दूर मारना चाह रहे थे, कामयाब नहीं, विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची बिना किसी रन के। जैसे देखा ओवर पिच बॉल है, बड़े शानदार तरीके से उसे ड्राइव किया नजदीक में, विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची बिना किसी रन के। वापस एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए अपने ओवर की अगली बॉल के साथ दाएं हाथ से वुड विकेट। महेश व्यास जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, स्वागत अभिनंदन। ये बढ़िया पुल शॉट और वहां फील्डर के लिए मौका नहीं बनेगा, छह रन मिलेंगे। जैसे देखा ये गुडलैंड का बॉल है, बैकफुट पे वेट ट्रांसफर किया, हालांकि बॉटम एंड नहीं बल्कि रिस्ट गई, कलाइयां गई शॉट में और टाइमिंग अच्छी बनी, बिल्कुल मिडिल हुई बॉल बल्ले में और विक्रांत ने छह रनों से बड़े शानदार अंदाज में अपना खाता खोला। रन संख्या जा पहुंची है छह रनों की मदद से 7। सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और ये ऑफ स्टंप के बाहर इस बार काटा बदला, दिशा बदली, बॉल को ऊपर रखा, ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर रखा, शरीर के दूर से कुसाया बल्लेबाज को खेलने पे विवश सा किया, जैसे कट खेले गए थे, छेड़खानी कहते हैं इसे, शरीर के दूर से जब इतना दूर आप खेलने के लिए जाते हैं। फिलहाल भाग्यशाली कोई करीबी मुलाकात नहीं हुई, विकेट कीपर ने अच्छा काम किया, विकेट के पीछे बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज चलते हुए दाएं हाथ से वो द विकेट विक्रांत को, ये एक बार फिर छोटा बॉल और एक बार फिर बढ़िया पुल शॉट, वापस अंपायर का इशारा, छह रन का हो जाएगा। जैसे देखा यह बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ का, एक बार फिर वही अंदर का बॉल था और एक बार फिर यहां पर इस बार थोड़ा बॉटम हैंड जरूर गया लेकिन उतना स्ट्रांग बॉटम हैंड नहीं ले गए, टाइमिंग का यहां पर उन्होंने ख्याल रखा। एक बार फिर बॉल बल्ले में अच्छा लगी, बिल्कुल बीचों बीच साउंड देखिए बल्ले से क्या आ रहा है, जैसे कोई कर्णप्रिय धुन बज रही हो, जैसे कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, कानों में शहद घुलता है जब बल्ले के इस प्रकार की आवाज निकलती है। तो एक ओवर की समाप्ति 13 रन बिना किसी नुकसान के, 13 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर सेकेंड। दो ओवर 13, एक ओवर 13 रन बिना किसी नुकसान के, 12 रन विक्रांत ने बनाए हैं 5 गेंदों पे 2 छक्कों की मदद से, तो पवन ने एक बॉल पे 1 रन बनाया है। और अब यहां पर पिछले मैच के हीरो जिन्होंने शानदार 146 रनों की पारी खेली, प्रदीप पंडित आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलते हुए गेंदबाज दाएं हाथ से वो द विकेट पवन को, ये अच्छा ऊपर का बॉल, बिल्कुल पैरों की ओर का फुल बॉल था, वहां पे नजदीक के फील्डर से मिस फील्ड, पांव से रोकना चाह रहे थे बैकअप के फील्डर, नहीं रोक पाए, करा अच्छी फील्डिंग नहीं कही जाएगी वहां पर फील्डर की। 2 रन मिलेंगे यहां पर पवन को। फिर ये बॉल लेग स्टंप की ओर का फुल बॉल था, बिल्कुल उनके जैसे जूतों पे बॉल आया था लेग स्टंप पे, और बॉल के ऊपर आते हुए सिर बिल्कुल बॉल के ऊपर आते लाते हुए उन्होंने कलाइयों के सारे टर्न किया और शॉट मिड विकेट पे, जो फील्डर काफी स्क्वायर है वो बॉल पर पहुंचे जरूर लेकिन रोक नहीं पाए, जहां पर 1 रन थोड़ा मुश्किल हो सकता था वहां पे रन मिले 2। वापस गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए ये बॉल अच्छा रक्षात्मक तरीके से खेला, एक बार फिर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ 16 जा पहुंची रन संख्या इस समय, स्ट्राइक विक्रांत के पास है, पिछले ओवर में 2 शानदार 6-6 लगाए उन्होंने, अब देखना है कि आज क्या करते हैं यहां पर टीम शिक्षा विभाग और टीम
राइट आर्म ओवर द विकेट, चले गेंदबाज, ये एक बार फिर ऊपर का अंदर का बॉल डीप मिड विकेट एरिया में सीधा बल्ला ले गया, 6 रन वापस। आज यहां पर विक्रम जो है पूरे तरीके से गेंदबाज को वेताल समझ रहे हैं, जैसे शानदार एक और छह जैसे देखा बॉल लग स्टंप की ओर का, दूसरा छक्का इस ओवर से निकल चुका है। एक अच्छी शुरुआत यहां पर टॉस जीतने के बाद अनिल ईश्वर ने जो फैसला किया बल्लेबाजी करने का, वापस गेंदबाज, इस बार 4 रन, ऊपर का बॉल टाइमिंग नहीं बनी, दरअसल जहां मारना चाह रहे थे वहां बॉल गई लेकिन उतना नहीं गई जितना अपेक्षा कर रहे थे। 33 जा पहुंचे रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति पर, पूरे 20 रन ओवर से आगे। पिछले ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया बल्लेबाज विक्रांत ने, 19 पे जा पहुंचे हैं और स्ट्राइक पवन के, क्षमा कीजिएगा, चौका जो आया वो पवन के बल्ले से आया। विक्रांत इस समय फिलहाल 3 छक्के लगा चुके हैं, पिछले ओवर में भी उन्होंने 1 छक्का लगाया, 1 छक्का उनके साथी बल्लेबाज पवन ने लगाया। 33 रन स्कोरबोर्ड पर 2 ओवर की समाप्ति पर, वापस ऑफिस के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन आता हुआ और अतिरिक्त के रूप में। वापस गेंदबाज, जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री के यूट्यूब पेज पे, सभी का स्वागत और अभिनंदन है, आप हमारे साथ बने रहें। और ये पढ़ने के बाद एक बार फिर बाहर को दूर रहा, बॉल खेलने का इरादा किया था लेकिन दूर का बॉल देखते ही अपने स्ट्रोक को जैसे आधे रास्ते में रोक सा लिया। एक बार फिर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया है। एक बार फिर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज चलते हैं, विक्रांत इस समय सामने, दाएं हाथ से वो दो विकेट, एक बार फिर बहुत बाहर का बॉल, एक बार फिर रास्ता दिया जैसे बॉल को, पिछला पैर पॉपिंग क्रीज के बहुत अंदर ले गए और बल्ले को अपने राइट शोल्डर की ओर ले गए और वहीं स्थिर किया, बॉल को जैसे रास्ता दिया विकेट कीपर के पास जाने का। फिलहाल कोई रन नहीं। राजेंद्र ठाकुर जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं आज और साथ में महेश व्यास जी। ऊपर का बॉल क्रॉस गए थे, व्हाइट बॉल का इशारा, ऑफिसर के बाहर, ओवर पिच बॉल था लेकिन बहुत बाहर का बॉल। राजू ठाकुर जी भी हमारे बीच इस समय बिल्कुल बीच में बैठे हैं, हमारे बीच नहीं बल्कि महेश व्यास जी और राजेंद्र ठाकुर जी के बीच। ये सीधा शॉट, कॉटेड बोल्ड का चांस मिस हुआ यहां पर, ऊपर का बॉल बिल्कुल सीधा शॉट और वहां पर गेंदबाज कैच लेने के लिए गए थे अविनाश, लेकिन बॉल हाथ में लगी समाई नहीं और इस बीच 1 रन मिलता हुआ विक्रांत को। तो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब में डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री के पेज में जाइए और अपने निकट संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को कहिए कि वो इस मुकाबले को देखें और आनंद उठाएं।
और आपको आपके प्रदर्शन में आपको सराहें शब्दों के माध्यम से कमेंट्स करके। फिलहाल ये अच्छा शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल आने दिया करीब में, रक्षात्मक तरीके से खेला। ये ओवर कहा जाए हालांकि अतिरिक्त रन आए हैं ओवर से अब तक, लेकिन बड़े शॉट का में बल्लेबाज यहां पर टीम अभी सफल नहीं रही है। ओवर नंबर तीसरा इस समय प्रगति पर है अविनाश नेगी के द्वारा। चले बहुत बाहर देखा लेकिन गए नहीं खेलने के लिए, छोड़ दिया और शायद अपेक्षा कर रहे थे कि व्हाइट बॉल होगी, लेकिन जी नहीं, माना कि रेखा के अंदर का ये बॉल। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज एक बार फिर, ऊपर का बॉल क्रॉस गए थे खेलने के लिए और मिसफील्ड, फील्डिंग कमजोर, सतीश जैसे फील्डर से मिसफील्ड हुई। तो ऊपर का बॉल था और उसको स्लॉग स्वीप लगाना चाह रहे थे मिड विकेट के एरिया में, दरअसल बॉल बल्ले के टू एंड पे लगी और बैकवर्ड पॉइंट पे गई, नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज पवन ने मना कर दिया था रन के लिए, लेकिन सतीश से वहां पर मिसफील्ड हुई। नतीजा जी अच्छा बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ का ओवर हुआ मुकम्मल, पिछला ओवर अच्छा ओवर कहा जाएगा। 8 रन ओवर से आए, 3 ओवर समाप्त, 41 रन। तो हमारे रामेश्वर जी और साथ में मुकेश, पूरी टीम बधाई की पात्र है। ललित चौहान जी एचपी यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग वेलफेयर रिक्रिएशन एंड वेलफेयर क्लब के चेयरमैन ललित चौहान, वाइस चेयरमैन हरीश शर्मा, सेक्रेटरी सिद्धार्थ शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी कमलेश जी, उसके अलावा ट्रेजरर शशि जी और मीडिया मैनेजर धर्म प्रकाश, साथ ही साथ राजेंद्र ठाकुर जी, रामेश्वर जी, महेश व्यास जी, राजू ठाकुर जी, मुकेश, मनु भाई, हमारे राजेश शर्मा जी, और बहुत बड़ी टीम है, ऐसा नहीं है, उसमें चेतावर सिंह भी हैं और उसके अलावा सुशील, रिंकू, सभी का हम धन्यवाद देते हैं। उधर से गेंदबाज चलते हुए, बड़ा जोखिम भरा कमेंट्री बॉक्स, लेकिन इसके मुंह से बच नहीं पाते। फिलहाल गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए, हेलमेट भी बड़ा और छोटा होता है, वो दरअसल वो बड़ा वाला हेलमेट मंगा रहे थे ताकि ऊपर से नीचे तक कवर हो जाए। विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी, वास्तव में कई खिलाड़ियों ने कई कारणों से आकर्षण बतोरा है, कईयों ने ये दिखाया है कि इस उम्र में हिमराल हैं विकेट कीपर, और विकेट के पीछे जितने खतरनाक है विकेट के आगे उतने ही ज्यादा बल्लेबाज भी। ओ, ये अच्छा बॉल बैकफुट पे धकेला, स्पिनर को बुलाया गया, गेंदबाज इस समय आए हैं। अविनाश नेगी, अंकुश देस्टा, बढ़िया टेनिस का जैसे फोर एंड शॉट लेकिन फोर एंड रिटर्न जैसे खेला, तो 43वां रन बनता हुआ। शुरुआती गेंदबाजी अंकु डेस्टा और प्रदीप शर्मा ने करी, अविनाश नेगी परिवर्तन के तौर पे आए हैं फिलहाल। तो सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संदीप भारद्वाज, ये अच्छा शॉट लेकिन नजदीक में फिल्टर मौजूद है, बॉल को रोकेंगे सतीश, इस बार गलती नहीं करेंगे। विक्रांत आराम से खेल और संदीप भारद्वाज जी, वेरी गुड मॉर्निंग संदीप जी जुड़ने के लिए, और अपना हमें उम्मीद है कि आप इस पेज को शेयर कर रहे होंगे। जो हमारे मित्र देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स करते जाएं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। बढ़िया इस बार का, यहाँ पे पॉइंट के फील्डर को हरकत करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर बल्लेबाज विक्रांत को। विक्रांत को नहीं बल्कि पवन को, वापस एक बार फिर गेंदबाज दाएं हाथ से, वो दो विकेट गेंदबाजी के लिए। यहां पर टाइमिंग, ज्यादा ताकत नहीं लगाई लेकिन फिर भी बॉल डिस्टेंस कवर कर गई, गोल पोस्ट के अंदर से निकला छे।
बिल्कुल स्वीट टाइमिंग के साथ खेला, ज्यादा जोर से बल्ला चलाया नहीं यहाँ पर और टाइमिंग अच्छी बनी और पूरा ओवर अच्छा जा रहा था, लेकिन ये बॉल थोड़ा सा ऊपर कर दिया और थोड़ा सा पांव बाहर लाते हुए उसे हवा में उछाल के खेल दिया 6 रन के लिए। इसी के साथ ओवर मुकम्मल, ओवर नंबर 4 की समाप्ति, 51 जा पहुंची रन संख्या, 50 रनों का आंकड़ा पार, एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी रनों के लिहाज से। उधर से प्रदीप पंडित वापस आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। ओह, शॉर्ट ऑफ लेन का बॉल कट के ले गए थे, पिछले मैच में प्रदीप ने क्या कयामत बल्लेबाजी करी थी, 146 रनों की पारी खेली थी, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इस प्रतियोगिता में कुल मिला के 6 शतक लग चुके हैं, तो उन शतक वीर बल्लेबाजों में एक बल्लेबाज प्रदीप भी है, 2 शतक अकेले बल्लेबाज हैं जिन्होंने हिमांशु ने लगाए हैं। ये बढ़िया क्रॉस गए खेलने के लिए, अच्छा लगी बॉल बल्ले पर, बहुत दूर चली गई, 6 रन का इशारा अंपायर के द्वारा होता हुआ, जैसे देखा कि ये थोड़ा सा अंदर कर दिया और बल्लेबाज ने पैरों में कोई हरकत नहीं, लेकिन बल्ला बॉल की लाइन पे अच्छा किया, सही संपर्क गेंद और बल्ले में, और बॉल को जितनी दूर जाना चाहिए था उतनी दूर गई, जैसे रेलवे स्टेशन है सूर में, समर हिल रेलवे स्टेशन के एरिया में ये 6 रन यात्रा पे भेज दिया जैसे बॉल को। आजकल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का सीजन भी चल रहा है। तो वापस गेंदबाज, तो वापस वापस गेंदबाज, ये बढ़िया स्क्वायर कट, एक बार फिर 2 रन, बड़ा बेहतरीन जगह कम थी स्क्वायर कट के लिए, लेकिन क्या बढ़िया कमाल का स्क्वायर कट खेला शॉर्ट ऑफ लेंथ के बॉल को, 2 रन और, तो एक अच्छी गति से रन बन रहे हैं यहाँ पर छठे ओवर में, 5वें ओवर में समय रन संख्या 59 जा पहुंची है। वापस एक बार फिर गेंदबाज चले दाएं हाथ से वो दो विकेट, टॉप एज 2 रन और, फाइन थर्ड मैन के फील्डर के लिए मौका नहीं हिलने भर का भी, बॉल को तो वापस गेंदबाज अपने ओवर के अगली बॉल के साथ चले, शॉट ऑफ लेन का बॉल आगे की ओर धक्के, दरअसल जिस तरीके से गए थे कला लग रहा था कि ऑन साइड में खेलना चाहते हैं, लेकिन कलाई उतनी घुमा नहीं पाए, बॉल निकली ऑफ साइड में, अपने फॉलो थ्रू में गए, रन तलाश रहे थे बल्लेबाज, लेकिन देखे जैसे देखा कि प्रदीप तेजी से बॉल पर आ रहे हैं, अपना अपना इरादा वापस लिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज दाएं हाथ से वो दो विकेट गेंदबाजी के लिए, ओ एक बार फिर पुल के ले गए, टॉप एच बाहरी मोटा किनारा और विकेट कीपर हिमराल को लांगती हुई बॉल निकली फाइन थर्ड बैन एरिया में, बिल्कुल ठीक उनके पीछे कहा जाए, 63 रन से क्या 5 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के, 63 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 5 विदाउट लॉस। छह शतक अभी तक लग चुके हैं इस प्रतियोगिता में। और उधर से गेंदबाजी में अविनाश नेगी वापस आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, दाएं हाथ से वो दो विकेट, शॉट ऑफ लेन का बॉल कमर की ऊंचाई का, बढ़िया बल्ले का फेस खोला, 2 फील्डर पहुंचे वहां पर, पांव से बॉल को रोका पॉइंट के फील्डर ने पहले, 1 रन मिल जाएगा फिलहाल और स्ट्राइक विक्रांत के पास। वापस गेंदबाज चलते हुए दाएं हाथ से वो दो विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल कट के ले गए थे कामयाब नहीं, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। दाएं हाथ से वो दो विकेट गेंदबाजी के लिए चलते हुए गेंदबाज,
बढ़िया शॉट नजदीक के फील्डर की, अच्छी फील्डिंग, हालांकि रन नहीं मिलेगा ऑफ सबके बाहर का बॉल, बढ़िया स्क्वायर कट लगाया लेकिन नजदीक में कवस में फील्डर मौजूद थे, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। वापस अविनाश नेगी अपने ओवर की अगली बॉल के साथ चलते हुए दाएं हाथ से वो दो विकेट। इस बार स्मैश किया है, दो रन मिलेंगे यहां पर और स्मैश जड़ा जैसे छोटा बॉल, एक्स्ट्रा कवर रीजन में बॉल पहुंची। इससे पहले कि वहां बॉल फील्डर पहुंचते, बॉल उस मानक से टकराई जहां दो रन मिलते हैं। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ, यहां पर लटका के बॉल को दिया और बहुत दूर, बाय बाय बॉल। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, क्या कमाल का स्लॉग स्वीप लगाया विक्रांत के बल्ले से निकलने वाला ये पांचवा छक्का, ऊपर का बॉल क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्लॉग स्वीप लगाया और इसी के साथ रन से 72 जा पहुंची है। तो वापस गेंदबाज एक बार फिर दाएं हाथ से वो तो विकेट गेंदबाजी के लिए, बढ़िया कच्चा यहां पर, बढ़िया नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, कुछ नाखुश है होंगे भी, प्रयास भी अच्छा किया था, ऐसा नहीं है कि उनके प्रयास में कोई कमी थी, लेकिन बल्लेबाज का भाग्य साथ में है। यहां पर फील्डर के प्रयास की तारीफ करनी होगी, ये देखिए उनकी मेहनत दिखाई दे रही है, मिट्टी लगी है उनके कपड़ों में और इसी को कहते हैं ये दाग अच्छे हैं, ये मेहनत दिखाई है उन्होंने, अपनी प्रयास दिखाया, हालांकि प्रयास परिणाम में तब्दील नहीं रहा। 74 जा पहुंची है रन संख्या 6 ओवर की समाप्ति पर, 74 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 6, एक धमाकेदार शुरुआत, 12 रन से ऊपर का करंट रन रेट है इस समय। गेंदबाजी में परिवर्तन, ये दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज आ गए, अभी ना धीरज आए हैं गेंदबाजी पे, नीरज कमल का जो हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, उसका पर्यायवाची है नीरज। अब देखते हैं अपनी टीम में अपने नाम को चरित्रार्थ करें, क्योंकि तेजी से जो रन बन रहे हैं तो वो जो रौनक है चेहरों की वो फिलहाल उतनी ज्यादा है नहीं, तो ये रौनक वापस लानी है, चेहरे खिलखिलाने हैं एक पुष्प की तरह, एक फूल की तरह, तो अपने नाम को चरित्रार्थ करना होगा। स्ट्राइक पे है बल्लेबाज पवन, कुल रन संख्या 74 6 ओवर की समाप्ति पर। शॉट ऑफ लेन का बॉल, बढ़िया आने दिया, स्टीयर किया, स्लो खेलते निकले फील्डर, तेजी से बॉल पर आए लेकिन इससे पहले कि वो बॉल को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके अपने अपने छोर परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल करी। वापस गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए, दाएं हाथ से वो दो विकेट, अंदर का बॉल कलाइया ले गए थे, दरअसल खेलना स्क्वायर लाग के एरिया में चल रहे थे, ये क्या किया, ये क्यों किया, भाग्यशाली है कि वो यहाँ पे बल्लेबाज को सरप्राइज करना चाह रहे थे सतीश, निशाना नहीं लगा, भाग्यशाली है बैकअप मिला और वो थ्रो हो जाता अन्यथा, एक रन जरूर मिला पवन को। ये लीजिए और वाह क्या कह दो कमाल का, जी नहीं क्या ड्रॉप, प्रयास तो अच्छा था, सब कुछ था और यहां पर रनआउट का मौका, जी नहीं, अगर यहां पे बाउंड्री पे टकराने के बाद भी कैच आपका के हाथ में रहता है, मैं एक बार फिर बता दें, अगर ये कैच हाथ में रहता बाउंड्री पे टकराने के बाद भी तो वो कैच माना जाता, हाँ फिर भी कैच रहेगा, आप कैच बाउंड्री से टकरा जाते हैं, ये पहले भी अनाउंसमेंट हुआ, एक बार फिर रिमाइंडर मार दें क्योंकि ये बड़े मुकाबले हैं। बहुत बढ़िया प्रयास था सतीश का, तारीफ तो करनी होगी, एक बार फिर प्रयास परिणाम में तब्दील नहीं, ये अच्छा फ्रंट फुट निकाला, खेला उसे आगे की ओर, निकले है रन के लिए। तो इस टीम की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो टोटल यहां चेज हुआ है 182 रनों का, तो वो टीम डायरेक्टेड एजुकेशन ने ही चेज किया है, यहां पे बॉल की तह में जाते हुए एक बार फिर दूर मार दिया, डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, ऊपर किया था बॉल को और वहां पर बल्लेबाज ने कोई रियायत नहीं बख्शी, एक और 6 रन, लाजवाब छक्का और इस छक्के की मदद से रन संख्या जा पहुंची है इस समय 85।
जी हाँ जी, अच्छा क्षमा कीजिएगा, 215 तो पावर कॉर्पोरेशन ने भी चेज किया टीचर्स के अगेंस्ट, घूमते हुए गए खेलने के लिए, 11 रन ओवर से आए, ओवर मुकम्मल 7 ओवर 85 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, राजेश शर्मा जी ने जरूर मेरी जानकारी को पुख्ता किया कि सबसे बड़ा टोटल तो पावर कॉर्पोरेशन ने चेज किया है टीम टीचर्स के विरुद्ध, 216 रन चेज किए थे, लेकिन 182 रन भी कम छोटा टोटल नहीं होता। और वहां पर सतीश की जो बल्लेबाजी रही थी वो बड़ी कमाल की बल्लेबाजी रही थी, कहीं भी मैच में नहीं लग रही थी, बड़ी दयनीय हालत हो चुकी थी, विकेटें जल्दी जल्दी गिर चुकी थी शिक्षा विभाग की, लेकिन उसके बाद सतीश नाम का जो तूफान आया। अब यहाँ पर मेरे साथी खिलाड़ी बोल भी रहे हैं, ये रामेश्वर की अक्सर जो समुद्री तूफान होता है उनका महिलाओं के नाम पे क्यों नाम होता है, कैटरीना सुनामी। बढ़िया, यहाँ पर विकेट मिलती, पुल के लिए गए थे पवन, पिछले ओवर में जो मुश्किल से जीवनदान मिला था वो यहाँ पे इस बार गलती नहीं करी, तो जो चाहिए था वो मिला, 85 गई ऊपर, ये पहली विकेट अविनाश नेगी ने अर्जित करी अपने लिए और अपनी टीम के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, पुल के लिए गए, टॉप पेज लिया बॉल ने और फाइन थर्ड मैन के एरिया में। तो हमारे जो रामेश्वर कह रहे हैं कि ये जो तूफान आते हैं समुद्री तूफान, इनका महिलाओं के नाम पे क्यों होता है कि कैटरीना तूफान, सुनामी तूफान, अलाना तूफान, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि बंगाल की खाड़ी में श्यामलाल आने वाला है तो, या रामलाल आने वाला है, या कमलेश जी आने वाले हैं हमारे। तो फिलहाल आखिरकार 85 के योग पर ये पहली विकेट का पतन, पवन यहां पर आउट हुए, पवन ने 15 गेंदों पे 29 रन बनाए, एक चौके और दो छक्के की मदद से। और उधर विक्रांत शानदार 52 रन बना के खेल रहे हैं, 28 गेंदों पर 6 छक्के लगा चुके हैं 185 के स्ट्राइक रेट से। तो वापस तो फिलहाल एक वापस गेंदबाज इधर संदीप भारद्वाज लगातार जुड़े हैं, विक्रांत को से उम्मीदें रख रहे हैं, गेंदबाज बल्लेबाज योगेश आए हैं अगले बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को बढ़िया कट किया, बैकवर्ड पॉइंट एरिया में रन मिलेगा एक दो, खाता खोला 2 रनों से अपना, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को दूर से गए कट के लिए। तो सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन है। जितने भी मित्र चलते हुए गेंदबाजी के लिए, बढ़िया शॉट और ये बॉल, अंपायर का इशारा वापस देखना होगा क्या कहेगा, 6 रन तो वापस गेंदबाज। एक बार फिर अपने ओवर के अगले बॉल के साथ बढ़ते हुए गेंदबाजी के लिए चले, यह बढ़िया कट शॉट और थर्ड मैन एरिया में, वहां पर नीरज मौजूद थे, थोड़ा सा फंबल हुआ, बॉल को रोका जरूर लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए और उसका फायदा बल्लेबाजों ने रन पूरा किया आसानी के साथ। तो फिलहाल
बढ़ते हुए गेंदबाज। ओ ये कहां लगी बॉल, और अंपायर का इशारा दो रन का होगा, लेग बाई के रूप में शरीर से लेग के निकली बॉल। तो फिलहाल इस समय एक बेहद अच्छी स्थिति है, एक विकेट जरूर गवाया लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार यहां पे टाइमिंग नहीं बनी और यहां पे फील्डर गलती नहीं करेंगे, दूसरे विकेट बॉटम में लग गई बॉल, बैकफुट पे जाके पुल के ले गए थे बॉल, बल्ले के बॉटम में लगी और मिड विकेट के एरिया में खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं करी और यहां पर विकेट नंबर 2 का पतन। ये पलटवार कहा जाएगा, 96 के योग पर यह दूसरी विकेट का पतन हो चुका है। यहां पे शानदार अर्धशतक बनाने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए बल्लेबाज विक्रांत, 30 गेंदों पे 52 रन बनाए, 6 छक्के लगाए उन्होंने। छियानवे जा पहुंची रन संख्या दो खिलाड़ियों के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर। अब देखना है कि बल्लेबाजी में कौन आता है, और देखिए बैट्समैन से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी ये एक बार फिर घोषणा कर दे दोनों टीमों के लिए, कैप्टन हेमंत और कैप्टन अनिलेश्वर जी ध्यान दे, बैट्समैन जो है नया बैट्समैन मैदान में क्रॉस करेगा। हम जानते हैं डगआउट दूर है लेकिन इसके लिए आपको खुद इस तरीके का सिस्टम बनाना होगा, आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन क्रिकेट क्रिकेट की तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अंपायर और आपका साथी बल्लेबाज इंतजार करता रहे। इस टूर्नामेंट की इस प्रतियोगिता की बड़ी सराहना है और आप सबने अच्छा सहयोग दिया है, चाहे कोई भी टीम हो प्रत्येक टीम ने यहाँ अच्छा सहयोग दिया है। फेयर प्ले की मैं बात करूं, ये जो फेयर प्ले अवार्ड अगर मेरे से व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो मैं इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम के फेवर में रहूंगा, जितना अनुशासन उन्होंने दिखाया और जितना बेहतरीन उनका ड्रेस कोड जो था उनका, इवन उनके जूते भी हूबहू एक जैसे रहे, तो मैं कहूँ फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड जरूर वहां पर एनवायरनमेंट को जाएगा। बढ़िया, हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी टीमों ने अनफेयर खेला है लेकिन अनुशासन का जो मापदंड है वो लगातार ऊंचा उठाया उस टीम ने। एक रन लिया फिलहाल यहां पर बल्लेबाज ने, नया बल्लेबाज कप्तान अनिलेश्वर, आज अपने रेगुलर कप्तान के बिना पे खेल रही है टीम। बढ़िया कलाइया ले गए स्क्वायर लेग एरिया में, ब्रिजेश के बिना पे खेल रही है। बैटिंग की बात की जाए तो अभी राजीव सुमन जैसा विस्फोटक बल्लेबाज काफी अच्छे हैं, और अनुभवी खिलाड़ियों में एक संजय नेगी, अच्छी अच्छी टीम बैलेंस टीम है फिलहाल। गेंदबाज उधर से चले, ये अच्छा बैकफुट पे धकेलने पे बैकफुट पे जाने पे विवश किया योगेश को, तो अब यहाँ पे दोनों सलामी बल्लेबाज क्योंकि जल्दी जल्दी आउट हो चुके हैं, तो वापसी कही जाएगी, एक मनोवैज्ञानिक जीत इस समय है टीम के पास। गेंदबाजी के विकल्प भी खुले हैं, अभी तक 4 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया, सतीश एक बेहतरीन विकल्प है और उसके अलावा भी। बढ़िया स्टीयर 2 रन के लिए, गेंद की गति का इस्तेमाल किया, क्या कमाल का स्टीयर, इसी के साथ इन 2 रनों की मदद से 100 रनों का आंकड़ा भी पार होता हुआ 100 ओवर नंबर 9 में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। वापस बढ़िया स्टेप आउट मिड विकेट डीप मिड विकेट एरिया में, वापस 6 रन, 2 रन है ये, लगा था कि दूर जाएगी बॉल लेकिन स्क्वायर चली गई, थोड़ा सीधा रहती तो 6 रन होते, 2 रन। स्टेप आउट करते हुए खेला, वापस गेंदबाज चलते हुए, बढ़िया कट शॉट, 2 रन, और क्या कहना, क्या एग्जीक्यूट किया इस कट शॉट को, लाजवाब राहुल द्रविड़ स्टाइल में, बिल्कुल नीचे गए झुके और फिर बॉल की लाइन पे बल्ला आया, और क्या कमाल का
कट शॉट 104 रन 9 ओवर की समाप्ति पर 104 विद लॉस ऑफ टू विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 9। हेमंत कुमार अब टीम के कप्तान आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। टीम शिक्षा निदेशालय एजुकेशन डायरेक्टरेट की टीम, मैं कहूँ कई राज्यों में एजुकेशन की टीम काफी सशक्त टीम होती है, लगभग हर राज्य में। फिलहाल गेंदबाज, ऊपर का बॉल कट के ले गए थे, बाहर का बॉल है, वाइट बॉल का इशारा अंपायर अनुराग के द्वारा हुआ। वापस एक बार फिर बढ़िया कलाइया ले गया ऑन साइड में, इसको खेलते निकले एक रन के लिए। इधर विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेस्ट विशेस टू बोथ टीम्स। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमें उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, इस पेज को शेयर भी करेंगे और अपने अन्य मित्रों से भी कहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े। और वापस तैयार, तो फिलहाल वापस वापस उधर से गेंदबाज दाएं हाथ से वो द विकेट, अच्छा उछाल के साथ निकला बॉल, विकेट कीपर कैदर नहीं कर पाए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, रन के लिए गए थे लेकिन फिर मना किया। हालांकि हिमराल तेजी से बॉल पर पहुंच नहीं पाए, तारीफ करनी होगी हिमराल की, सीनियर खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी फिटनेस और उनका कमिटमेंट देखते ही बनता है। कई खिलाड़ी सतीश और हिमराल अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले काफ़ी अनुभवी सीनियर क्रिकेटर्स हैं लेकिन उनका जो फिटनेस है, जो स्टैमिना है, वो युवाओं को एक चुनौती पेश कर रहा है। खड़ी कर दी बॉल नीचे फील्डर और विकेट नंबर 3 अविनाश नेगी थे वहां पर, तो पलटवार कर दिया यहां पर। अब एक और विकेट का पतन, ऊपर का बॉल दरअसल इनसाइड आउट जा रहे थे खेलने के लिए लेकिन बल्ला इतना फ्लैट चला गया उनका कि बॉल दूर जाने के बजाय ऊंचाई में चली गई गली एरिया में, और पूरा समय रहा अविनाश के पास उस कैच को लपकने का। विकेट नंबर 3 का पतन यहां पर हुआ है और स्कोर बोर्ड पर रन संख्या इस समय जा पहुंची 105 106। 10वां ओवर इस समय प्रगति पर है, तो जो शुरुआत यहां पर पवन ने और विक्रम ने दिलाई थी, विक्रांत ने दिलाई थी, फिलहाल वो शुरुआत के बिल्कुल विपरीत का खेल चलता हुआ। अभी अंतिम बॉल होगी इस ओवर की, तो वापस देखना है कि गेंदबाजी के लिए कौन आता है। आज चटक धूप, हमारे राजेश चौहान जी का हम धन्यवाद देंगे, उधर महेश व्यास जी, राजेंद्र ठाकुर जी, राजू ठाकुर जी हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे रामेश्वर जी, मुकेश सोच रहे हैं कि क्वार्टर फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतना है तो क्या क्या करना होगा, क्योंकि एक अच्छे विकेट के एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं। और नहीं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है कप्तान के पैर दबाने होंगे ताकि वो मुझे ऊपरी क्रम पे बल्लेबाजी के लिए भेजें, बाकी अगर इन्हें मौका मिल जाए तो फिर ये अपना कमाल तो दिखाई देते हैं। तो धन्यवाद देंगे हम का, हमारे कमलेश जी का भी, बहुत बेहतरीन इंसान कमलेश जी, जरूरत पड़ने पे कमेंटेटर की भूमिका में भी रहते हैं। हितेंद्र जी अभी पहुंचे नहीं, घर के कामों में व्यस्त, और जी हाँ लाडी ने जिम्मेदारियां बहुत सौंपी हैं उन्हें, अपने उनकी श्रीमती जी मुझे बता रहे थे कि भाई साहब मेरी वाइफ मेरा बहुत कहना मानती है, किसी की वाइफ मानती ना हो, मैं रात को 12 बजे भी कहूँ ना कि मेरे को बर्तन धोने गर्म पानी करके दे तो गर्म पानी करके देती है। तो वापस गेंदबाज, चलते हुए गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ से वो द विकेट,
भाई साहब एक खासियत है हमारे हितेंद्र जी की, वो अपनी बीवी के कहने पे बर्तन भी धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, खाना भी बनाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से डरते नहीं। चलते हुए गेंदबाज ऊपर का बॉल जोर से मारना चाह रहे थे। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर नंबर 10 की समाप्ति, और 10 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 106, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 106 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 10। तो फिलहाल गेंदबाज चलते हुए दायां से वो द विकेट नीरज, अच्छा बॉल पुल लगाना चाह रहे थे लेकिन नजर पहले हटा ली थी अनिलेश्वर ने, फिलहाल कोई रन नहीं। तो नीरज ने अभी तक तीसरा ओवर प्रारंभ है, 19 रन खर्च किए, सफलता से दूर है, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाजी वाली टीम की कि एक समय जो रन रेट 12 के करीब था वो 10 पे आ चुका है, यानी कि रनगति पे अंकुश लगाया। क्या इसे कहते हैं देशी भाषा में डंडा उखाड़ना। ऊपर का बॉल एक बार फिर नजर हटा के बड़ा शॉट लगाने के लिए गए, क्रॉस गए और बॉल उनके स्टंप्स को देखो अपने साथ लेती हुई गई। इसे कहते हैं तूफानी गेंदबाजी। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, बहुत दूर जो है जैसे फिलहाल विकेट नंबर 4 का पतन 106 के योग पर ही। अनिलेश्वर ने मात्र 2 रन बनाए यहां पर, कहे कहे तो अगर क्रॉस ना जाके सीधा जाता खेलने के लिए, लेकिन जब आपको सीधा खेलना होता तो आपको बॉल नजर, बॉल की ओर आंखें होनी चाहिए। गर्दन घूम गई थी उनकी, दरअसल सिर घूम गया था पहले ही, और यही कारण रहा कि गेंद और बल्ले में उतना संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने बॉल को बेदर किया। बिना किसी रन के इसी के साथ तो फिलहाल इस समय स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 106। अब आए हैं अगले बल्लेबाज अजय नेगी। तो यहां पर अजय अमराटे, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, कोई दो राय नहीं आज। ओ अच्छा फ्रंट फुट निकाला, सीधे बल्ले से खेला और गली एरिया में अविनाश नेगी मौजूद, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सचिवालय यहाँ पे देखिए हमारे संजय नेगी जी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तैयारी, एक एक जो मित्र हैं वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे तो राजू, हमारे राजेंद्र ठाकुर जी तो रात को 11 बजे तक जो है कमिटेड थे, लेकिन फिर हमने कहा रहने दीजिए, जो है रात को 11 बजे चाय नहीं पी जाती, सुबह 6 बजे 7 बजे चाय पी जाती है। आज सुबह ब्रेकफास्ट साथ साथ किया। राजेंद्र ठाकुर जी एक चतुर कप्तान और हंसमुख इंसान। कॉट बिहाइंड की अपील बिल्कुल किरण मोरे के अंदाज में अपील करी उन्होंने, याद दिला दी किरण मोरे की, खारिज किया अंपायर ने उस अपील को। हिमराल हैं विकेट कीपर, पवन हिमराल जी हाँ वापस। तो साथ ही साथ हमारे महेश व्यास जी लगी स्टंप को छोड़ती भी गई, वाइट बॉल का इशारा। कल क्या कमाल की विकेट कीपिंग करी थी महेश व्यास ने, और उस कहावत को चरित्रार्थ किया कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, और एक बाउंड्री जो लगाई थी वो भी बड़ी क्लास बाउंड्री थी। तो इस प्रकार के जब टीम होती है संगठित टीम, तो वो टीम फिर सफलता की गारंटी मानी जाती है। पुल के लिए गए, टाइमिंग नहीं, पीछे फील्डर है नहीं, 2 रन मिलेंगे,
घूमते हुए पुल लगाना चाह रहे थे संजय अजय। फिलहाल ओवर मुकम्मल हो चुका है, स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 109-11 ओवर की समाप्ति पर 109। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो बढ़िया शॉट और बहुत देर बाद खामोशी को तोड़ता हुआ शॉट 6 रन। खराब बॉल, सही नसीहत, बहुत ज्यादा छोटा बॉल और ऊपर से रूम दे दिया और दूर से राजीव सुमन है। जी हाँ, राजीव सुमन, यूं कह लीजिए सुमन का जो पर्यायवाची, बगिया का पर्यायवाची होता है सुमन, दरअसल गुलशन कहते हैं ना, गुलशन में गुल खेलते हैं, गुल सा खिला दिया है, छक्का लगा के उन्होंने सुमन ने एक फूल खिला दिया। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को कटके ले गए थे, कामयाब नहीं, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। वापस बढ़िया स्क्वायर कट और यहां पर फील्डर के लिए कोई मौका नहीं बन पाया, दरअसल हवा में थी बॉल और थोड़ा ऊपर से जंप करने की टाइमिंग नहीं बनी, 2 रन मिलेंगे। वापस गेंदबाज दाएं हाथ से वो दो विकेट गेंदबाजी के लिए, एक बार फिर और आपके पास 4 रन। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला, बेहतरीन स्क्वायर कट लगाया 4 रन के लिए और जो खामोशी छाई थी पिछले 2-3 ओवर से वो तोड़ते हुए यहां पर बल्लेबाज राजीव सुमन अपने नाम को चरित्रार्थ करते हुए अपनी पारी को यूं कह लीजिए सजाते हुए संवारते हुए एक खूबसूरत बगिया की तरह, बगिया को कहते हैं दरअसल सुमन। वापस गेंदबाज तैयार, एक बार फिर यहां पे फील्डर के पास बॉल पहुंची, जिस तरीके से गए थे ऐसा लगा था ऊपर जाएगा बॉल, लेकिन जी नहीं, सतीश है वहां पर, अच्छी फील्डिंग सतीश के द्वारा हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज बढ़ते हुए गेंदबाजी के लिए, ये बॉल ऊपर का बॉल ड्राइव किया कवर्स एरिया में, फील्डर नहीं रोक पाएंगे, 4 रन मिलते हुए इसी के साथ 125 जा पहुंची रन संख्या 12 ओवर की समाप्ति पर। फिलहाल बढ़िया आगे की ओर खेला, निकले रन के लिए फील्डर हो सतीश से, आज सतीश कहा जाए, कई बार अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और कई बार जब उम्मीदें ज्यादा रहती है तो सतीश नहीं कोई और, मैं कह रहा हूँ सतीश तो कहीं और है, क्षमा कीजिएगा सतीश तो, जी हाँ पॉइंट में है सतीश, तो बड़े मुस्तैद फील्डर हैं, कोई दो राय नहीं, विक्रांत हैं और विक्रांत जी मुस्कुरा रहे हैं कि चलो कर मैं रहा हूँ नाम सतीश जी का, करूँ मैं भरे भरे सतीश जी। कई बार खिलाड़ियों का जब ड्रेस कोड एक जैसा होता है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल बढ़िया ऊपर का बॉल, याद कीजिए शुरू शुरू में जब सचिन और सहवाग बल्लेबाजी करते थे तो कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता था
कि जब दोनों आपस में साथ में खड़े होकर बातें करते थे पिच के बीच में कि कौन सचिन है और कौन सहवाग है, जब थोड़ा दूर कैमरा रहता था, दोनों की कदकाठी, शारीरिक जो संरचना थी वो एक जैसी थी। महान सचिन तेंदुलकर तो सहवाग भी यूं कह लीजिए कि सहवाग की बल्लेबाजी का एक अलग ही आकर्षण रहता था, और पाकिस्तान के विरुद्ध खास तौर से सहवाग। यहाँ पे ये लीजिए, हिमराल नहीं पहुंच पाएंगे और बॉल घूमा है, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कोई फील्डर है नहीं, लेकिन यहाँ पे राजीव सुमन, ये कहे आपको कि क्रिकेट में एक एक रन कितना महत्वपूर्ण होता है, इसको नजरअंदाज करना कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। ये भाई साहब बॉल लेके आए, हमारे राजू ठाकुर जी के लिए जरूर तालियां बजनी चाहिए और कमेंट्स भी होना चाहिए। राजू ठाकुर जी जो बॉल गई थी, खो गई थी, उसे वापस खोज के लाए हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और संजय भाई को भेजो, संदीप भारद्वाज कह रहे। तो एक एक रन कितना महत्वपूर्ण होता है, आपको कई कई ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं शायद पहले भी बताया मैंने कि 1987 के विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला दरअसल ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, और उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 268 रन बनाए थे 50 ओवर के मुकाबले में। और ये खबर मैंने उस समय एक समाचार पत्र में पढ़ी थी, ये कितनी पुख्ता है या नहीं, लेकिन सत्यता है उसमें। बाद में वो टारगेट 270 रन का कर दिया था, क्योंकि एलन बॉर्डर जो कप्तान थे वो अंपायर्स के पास आते हैं और कहते हैं कि वो जो आपने एक चौका दिया था, दरअसल वो छक्का था, वो 6 रन थे, बढ़िया कट शॉट, शॉट थर्ड मैन एरिया में। तो अंपायर कपिल देव को बुलाते हैं, कपिल देव को वो वाकया बताते हैं कि एलन बॉर्डर का कहना है कि वो चौका नहीं वो छक्का था। तो कपिल देव का कोई बात नहीं, हमने वो छक्का मान लिया। तो टारगेट भारत का 269 के बजाय 271 रन हो गया था, और भारत 1 रन से वो मुकाबला हारा था। याद कीजिए 1987 के विश्व कप का स्कोर कार्ड आप निकालिए, भारत ने 269 रन बनाए थे। ओहो, यहाँ बॉल बल्ले पे टकरा गई, हटा नहीं पाए पूरे तरीके से, अजय बल्ले की लाइन से बॉल को करीब आ गई बॉल। भाग्यशाली है कि फील्डर के पास कैरी नहीं हुई और उसके बाद फील्डर रोक नहीं पाए, जहां पर 2 रन मिलते हुए। तो क्रिकेट में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि एक एक रन ज्यादा हो जाए, एक रन कम हो जाए, वही हार जीत का भी कारण बनता है। इसलिए रनिंग बिटवीन द विकेट को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल एक और ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर रन संख्या जा पहुंची है 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर टीम सचिवालय की, 13 ओवर पूरे हो जाने पर 129 रन। तो एक समय 12 का जो रन रेट चल रहा था वो अब 10 से थोड़ा नीचे आ चुका है। स्ट्राइक अंतिम बॉल क्षमा कीजिए राजीव के पास रहेगी। एक धमाकेदार शुरुआत विक्रांत और पवन ने दिलाई, पवन ने 15 गेंदों पे 29 रन बनाए तो विक्रांत ने 30 गेंदों पे 52 रन बनाए। उसके बाद राजीव सुमन पर अब काफी ज्यादा निगाह है। अजय अमराठी की बात की जाए तो ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है, इसमें कोई दुराय नहीं। ये अच्छा, कलाइयों के सारे नजदीक में खेला रन तलाश रहे हैं, लेकिन अजय ने मना किया। और जी हाँ बिल्कुल, बेहद ज्यादा जरूरत था, खतरा हो सकता था रनआउट का। तो डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री का हम धन्यवाद दे रहे हैं, डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री जो हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने जितना अच्छा यहाँ पर मुकाबला करवाया है। डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री के अलावा एस्पायर IITN मेडिकल नॉन मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि प्रो HPCL के टाइटल स्पॉन्सर भी रहे, उसके अलावा 7 हॉर्सेस, डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री जहाँ स्पोर्ट्स जिम और योगा, जी हाँ स्वस्थ रहने के लिए जिम बड़े हाईटेक जिम है, और योगाचार्य विशेष। आप देखते हैं कि योगा की राजधानी उत्तराखंड के ऋषिकेश को कहते हैं, योग नगरी कहते हैं, लेकिन अब योगा आपको योगाचार्य 2 रन मिलेंगे यहाँ पे डिफाइन लग एरिया में, योगाचार्य विशेषज्ञ योग गुरु उन्हें जिन्हें योगाचार्य कहा जाता है, वो डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री में आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। तो फिलहाल 131 इस समय रन संख्या ओवर नंबर 14 प्रगति पर। अविनाश नेगी वापस आए हैं गेंदबाजी पे, तारीफ करनी होगी अविनाश नेगी की, 2 सफलताएं अर्जित की है, एक शानदार कैच भी पकड़ा है अविनाश नेगी ने। अनुभवी खिलाड़ी हैं, अपनी टीम के यूं कह लीजिए एक तरीके से बैकबोन इन्हें कहें, इस टीम की की प्लेयर। बढ़िया कट और ये 2 रन के लिए
वहां पर हमारे हमारे राजेंद्र ठाकुर जी अपने राइट साइड में डाइव लगा रहे थे जबकि बॉल उनके लेफ्ट साइड में थी, लेकिन उन्होंने डाइव इसलिए लगाई कि सामने पे छोटे बच्चे हैं, कहीं उनके ऊपर ना गिर जाए। आधी अधूरी डाइव लगाई उन्होंने। राजू ठाकुर जी, महेश व्यास जी भी वहां पर मौजूद, और हमारे नरेश जी भी। नरेश चाय सबको भाई, जो ना पिए वो पछताए, चाय का आनंद ही कुछ और है। दाएं हाथ से वो दो विकेट गेंदबाज चलते हुए, यहां पर आपकी बात 6 रन, सीधा टेरेस में स्मैश लगाया राजीव सुमन जी। हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये बल्लेबाज कुछ अलग है, कुछ खास है, और वो दिखाया उन्होंने। तो इस छक्के की मदद से रन संख्या 139 जा पहुंची। अच्छा ओवर जा रहा था, लेकिन एक छक्का लगा के हिसाब बराबर किया। वापस गेंदबाज, एक बार फिर पुल किया, टाइमिंग नहीं, 2 रन मिलेंगे। तो 141 जा पहुंचे रन संख्या 14 ओवर पूरे हो जाने पर, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 141 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 14th विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब देखना अविनाश नेगी, 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 42 रन 2 विकेट उनका गेंदबाजी का विश्लेषण। अभी तक 5 गेंदबाजों को लेकर के चले हैं, क्या कोई विकल्प के तौर पर गेंदबाजी को लाते हैं? पवन कप्तान जो है टीम हेमंत, और जी नहीं, अंकुश देस्ता को वापस बुलाया। 3 ओवर कोई विकेट नहीं, 25 रन और कोई विकेट नहीं, ये गेंदबाजी का विश्लेषण अभी तक अंकुश देस्ता का है। स्कोर इस समय 141 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। वापस एक बार फिर छोटा बॉल, शॉर्ट आर्म पुल लगाया जाने, करीब का बॉल, 2 रन मिलेंगे मिड विकेट एरिया में। बढ़ते हुए गेंदबाज एक बार फिर, अपने ओवर की अगली बॉल के साथ, यहां पर एक बार फिर 2 रन और मिलेंगे। इस बार डिस्टेंस नहीं मिला, तेज बल्ला चलाया था फ्रंट फुट पे जाके, अच्छा लेंथ बॉल था, उतना बढ़िया पिक किया लेंथ को 2 रन के लिए। और तो अब 5वां वाइस चांसलर T20 डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट के चर्चे अन्य राज्यों में है, और अन्य राज्य के विभाग भी यहाँ की जो आयोजन शैली है उससे प्रभावित होके सोच रहे हैं कि इसका अखिल भारतीय स्वरूप कब होगा, यानी कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट। तो खेलने की लालायत है टीमें, अब देखना है। ये तो सारा दायित्व इस टीम के पास है, जिसमें हमारे ललित चौहान जी जो चेयरमैन है, इसके अलावा नॉन टीचिंग रिक्रिएशन वेलफेयर क्लब के साथ ही साथ सिद्धार्थ शर्मा, हरीश शर्मा, महेश व्यास, धर्म प्रकाश, शशि जी, राजेंद्र ठाकुर, राजू ठाकुर, राजेश चौहान, चितावर सिंह, रामेश्वर, बहुत बड़ी टीम है, जितना तारीफ की जाए उतना कम। तो आने वाले समय में ऑल इंडिया टूर्नामेंट की रूपरेखा तैयार हो सकती है, और उसके लिए आने वाले समय में आपको देख के आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब आप देखेंगे कि यहाँ से तमिलनाडु से टीम आई है। बढ़िया पुल यहाँ जो है, मध्य प्रदेश से टीम आई है, यहाँ महाराष्ट्र से टीम आई है, यहाँ आसाम से टीम आई है, यहाँ चंडीगढ़ से टीम आई है, चंडीगढ़ लुधियाना तो आम बात है, यहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट से टीम आई है, पश्चिम बंगाल से टीम आई है, आमित उमा के बालोबाशी वाले हमारे भाई बंगाली दादा, बंगाली टाइगर्स यहाँ खेलते हुए दिखाई दे, तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। फिलहाल एक और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ये ओवर थोड़ा सा किफायती ओवर, 15 ओवर की समाप्ति पर 147 रन जा पहुंची है रन संख्या 147 आफ्टर कंप्लीशन, मात्र 6 रन का ओवर रहा ये अंकुश देस्ता का, उनका गेंदबाजी का विश्लेषण। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं और 4 ओवर कोई मिडिल नहीं, 31 रन और कोई विकेट नहीं, विकेट वाला कॉलम खाली, लेकिन इकोनॉमी अच्छी 10 से कम की। वीनू दीवान का हम धन्यवाद देंगे,
यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एक ट्रायंगुलर सीरीज देहरादून में आयोजित होने जा रही है, जहां तीन विभागों की टीम अन्य राज्यों की, आप आमंत्रित हैं, पहले आए पहले पाए। और हमारे व्यूवर्स जुड़े तो हैं, लेकिन कमेंट्स का दौर थोड़ा थमा हुआ है। बढ़िया क्रॉस गए, कलाइया देखिए क्या कमाल की गई यहां पर इस बल्लेबाज की, राजीव सुमन की, चार रन मिलेंगे और 150 रनों का आंकड़ा पारी, चौके की मदद से 151 जा पहुंची रन संख्या 151। गेंदबाज प्रदीप पंडित आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक भारत के चंद्रकांत पंडित हुआ करते थे। जी हाँ, सारी जिम्मेदारियां विनू दीवान के ऊपर होगी, ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो होगा। और फिर बढ़िया स्टे ड्राइव, फिलहाल गेंदबाज वापस, ये बढ़िया शॉट राजीव सुमन के बल्ले से, और बॉल 6 रन के लिए। ये बल्लेबाज इनके लिए मैं कहूं तो क्या कमाल का, जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बहुत ही बढ़िया क्रॉस गए खेलने के लिए राजीव सुमन। और यहाँ पे उनके कप्तान कह रहे हैं, उनके कप्तान का मैसेज आया है, राजीव सुमन के कप्तान का मैसेज आया है कि देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का और कमाल कर गया सुमन जी का लड़का। वापस तैयार गेंदबाज, ये लीजिए कमाल अभी जारी है, रेलवे स्टेशन लंबी यात्रा पे भेज दिया बॉल को, ऊपर का बॉल बहुत ही बेहतरीन, आसमान से बात करने के लिए भेज दिया बॉल को राजीव सुमन ने। तो राजीव सुमन की इस छक्के की मदद से हाफ सेंचुरी भी पूरी, मात्र 21 गेंदों पे 4 चौके 4 छक्के, क्या कहना। तो वापस गेंदबाज अपने ओवर के अगली बॉल के साथ, 167 इस समय रन संख्या, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो राजेश शर्मा, मन्नू भाई राजीव चौहान जी, राजेश चौहान जी, और यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, 4 रन और। तो राजेश चौहान जी, मन्नू भाई बता रहे हैं कि जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट जिसकी अभी रूपरेखा तैयार हो रही है, जिसमें अभी काम चल रहा है, प्लान चल रहा है, अगर वो बनता है तो डीएस स्पोर्ट्स फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर विनू दीवान के कंधे में एक और जिम्मेदारी आ जाएगी, और आने वाले समय में यही चलता रहा तो कहीं बीसीसीआई जो है विनू दीवान को हायर न कर ले। अच्छे इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स के मास्टर निकल के गए खेलने के लिए। फिलहाल 171 रन जा पहुंची है 16 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या, और 54 पे खेल रहे हैं मात्र 23 गेंदों पर। विक्रांत वर्मा के बाद यहां पर राजीव सुमन ने जो अंदाज दिखाया वो बेहद कमाल का अंदाज दिखाया, और हमारे विवेक जी भी लेके आ गए। तो वापस तो फिलहाल गेंदबाज तो इधर से कप्तान हेमंत आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। हेमंत सामने है बल्लेबाज अजय, रन संख्या 171, 4 ओवर और शेष रहते हैं। क्या
200 रन बनेंगे। ऊपर का बॉल राजा है, खेलने के लिए गए थे, बड़ा शॉट फ्लाइट सा था बॉल में, लंबे कद के हैं लेकिन बावजूद दरअसल पांव उनका लेग स्टंप की ओर हटा था। अगर बॉल जहां पिच हुआ उस ओर पैर जाता तो जरूर वो कुछ कर सकते थे, लेकिन पांव जब लेग स्टंप की ओर जाएगा तो आपकी लंबाई फिर आपके काम नहीं आती। बॉल की पिच पे आ नहीं पाया, छोटा बॉल, टाइमिंग नहीं, फील्डर बॉल पर नहीं पहुंच पाएंगे, रोकेंगे जरूर, कैच के लिए गए नहीं दरअसल। और यहां पर बैटिंग टीम के नजरिए से कहा जाए तो वो जरूर कह रही होगी कि धन्यवाद इस शॉट में एक ही रन आया, क्योंकि सुमन को के पास जितनी ज्यादा स्ट्राइक रहेगी वो बैटिंग टीम के लिए उतना हितकारी रहेगी और बल्लेबाजी वाली टीम के लिए परेशानी का सबब रहेगी। फिलहाल 172 जा पहुंची रन संख्या। तो हमारे आज हमारी जो माननीय मुख्य अतिथि रहेंगी मातृशक्ति नारी शक्ति श्रीमती राजकुमारी, जो कि ईसी मेंबर हैं समर हिल यूनिवर्सिटी, जिसके कि स्वयं देश हमारे जो सूबे के जो गवर्नर होते हैं राज्यपाल वो जिसके चेयरमैन होते हैं जिस कमिटी के, कल भी हमारे एक अतिथि इसी टीम से आए थे और आज नारी शक्ति, कहते हैं ना भारतीय नारी सब पे भारी, तो वो नारी शक्ति का इंतजार रहेगा। ये लीजिए क्या बढ़िया है, ये है सुमन रनों की बगिया को खिलाते हुए, जैसे देखा ऊपर का बॉल फ्रंट फुट निकाला और लॉन्ग रन के ऊपर से 6 रन के लिए खेल दिया। तो यहां पे अब लग रहा है कि 200 का आंकड़ा पार हो जाएगा। एक बार फिर बॉल बल्ले के बॉटम में यहां पर फिलहाल यहां पर अच्छी गेंदबाजी होती हुई तो इसी के साथ ओवर नंबर 17 की समाप्ति हो चुकी है और 17 ओवर की समाप्ति पर जो रन संख्या है वो 181 है। अब यहां से 3 ओवर और शेष रहते हैं, क्या 200 का आंकड़ा पार हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट है यहां कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं। जैसे 216 रन चेज हुए थे टीम टीचर्स के विरुद्ध, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो जो हिमांशु नाम का तूफान आया उसके बाद नरेंद्र ठाकुर नाम का तूफान भी शेष रहता है। ये लीजिए, ये अजय के बल्ले से अब की बार ये शॉट निकला, अंपायर का इशारा देखना होगा 6 रन के लिए कवच के एरिया में। रिकॉर्ड बॉलें खोई है इस प्रतियोगिता में, रिकॉर्ड, लेकिन कमी नहीं आने दी।
मैं कह रहा हूँ कि हमारे महेश व्यास जी के लिए भी मैंने कहा था, इन्होंने इतने छक्के लगे हैं और जो छक्के लगे हैं यहाँ, वृक्ष से ज्यादा आपको बॉलें मिलेंगी आने वाले समय में। ऐसा ना हो कि यहाँ यहाँ बॉलों के वृक्ष उगने लग जाएं, बॉल खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। कहने का मतलब है कि प्रकृति भी यहाँ की क्रिकेट में रच बस जाएगी। या यहाँ के बढ़िया शॉट जेकिन जी नहीं, दो रन और मिलेंगे अजय को। रन संख्या 189। वापस गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए। टेनिस का फोर हैंड शॉट क्रॉस बैट से अपने फॉलो थ्रू में ले नहीं पाए नीरज, एक रन मिलेगा फिलहाल। 18वां ओवर, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज राजीव सुमन, 5 चौके 5 छक्के 27 गेंदों पे 62 रन 229 के स्ट्राइक रेट से। दानिश कुमार भी हमें दिखाई दे रहे हैं, स्वागत है दानिश। ओवर पिच बॉल मिस किया, ड्राइव के लगे थे और यहां पर फाइन थर्ड मैन, अच्छी फील्डिंग, यहां पे बाय के रूप में 2 रन हो सकते थे, 1 ही रन मिलेगा। तीन सौ 98 छक्के लग चुके हैं जो बता रहे हैं यहां पर, उंगलियों में गिने ना 398 छक्के, एक वहां लगा था, एक वहां लगा था, एक वहां लगा था, ये भी इनकी मेमोरी की भी तारीफ करनी होगी। ये लीजिए 399वां छक्का, ऊपर का बॉल सीधा शॉट खेला। तो इसी के साथ रन संख्या 197 18 ओवर की समाप्ति पर। बॉल बॉय से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा बॉल को खोजने में सहायता करें प्लीज। वापस गया, तो मात्र 5 गेंदबाजों को लेकर के चले। एक ओवर प्रदीप शर्मा का शेष है, यानी कि प्रदीप पंडित, और एक ओवर शेष है कप्तान हेमंत का। तो हेमंत ठाकुर खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलते हुए हेमंत दाएं हाथ से वो दो विकेट, पैरों पे बॉल को किया स्क्वायर लाग एरिया में, अंकुश देष्टा रोका बॉल को बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज चलते हुए, ओह मना किया रन लेने से, बाई के वाइट वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ। तो 200 रन तो बनते हुए नजर आ रहे हैं, मात्र 2 रन चाहिए, यहां से भी 11 गेंदे शेष हैं फेंकी जानी। 198 रन संख्या जा पहुंची है, 198 18.1 ओवर में। हेमंत एक बार फिर क्रॉस गए, पैड पे लगी बॉल, लेग स्टंप का बॉल था, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए फिलहाल, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। वापस, ओह और यहां पर हिमराल नहीं ले पाए, और देखना दोबारा बॉल रुकती है, गिरे अच्छा, तारीफ तो करनी होगी इनके प्रयास की, जितना सराहा जाए उतना कम, लेकिन बॉल दस्ताने में समाई नहीं, 1 रन मिला, जोर से बल्ला चलाया था, टाइमिंग नहीं बनी। और पवन हिमराल ने बहुत लंबी दौड़ लगाई कैच लेने के लिए लेकिन कामयाब नहीं रहे। एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए दाएं हाथ से वो दो विकेट गेंदबाजी के लिए। ये लीजिए कि जो कैच छूटा था वहां पर हिमराल का, उसका जश्न मनाते हैं जी। सामने पे बॉल है और ये भाई साहब अजय दिखाई दे रहे हैं, कौन दिखाई दे रहे हैं, लादे बॉल को, ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट में,
400वां छक्का लग चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर दानिश, राजेंद्र ठाकुर, नरेश जी और राजू ठाकुर जी बॉल को लेने के लिए जाते हैं। ऊपर का बॉल दो सौ का आंकड़ा पार हो चुका है, 205 जा पहुंची है रन संख्या। और यहां पर मौका नीरज से कैच ड्रॉप। ऐसा नहीं है, नीरज की शायद थोड़ा सा कंसंट्रेशन टूटा, सामने से जो फील्डर आ रहे थे। देखिए यस नो की कॉल होनी चाहिए आपका, और नीरज अंतिम समय में जो नजर उनके सामने वाले खिलाड़ी पे गई वही कैच छूटने का कारण रहा। बढ़िया निकल के गए दो रन के लिए। इसी के साथ ओवर नंबर 19 के समाप्ति 208 और दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की भागीदारी भी पूरी हो चुकी है। 102 रनों की 106 पे विकेट नंबर 4 गिरी थी। तो अंतिम ओवर है और स्ट्राइक अजय के पास है और गेंदबाज प्रदीप पंडित आ रहे हैं। 3 ओवर कोई मेड इन नहीं, प्रदीप का गेंदबाजी का विश्लेषण, 56 रन कोई विकेट नहीं। यहां पे कहा जाए तो कोई वैकल्पिक गेंदबाज नहीं है, मात्र 5 गेंदबाजों को लेकर के चले। और यहाँ पे अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो अंकुश देस्टा ने का इकोनॉमी अच्छा रहा, 4 ओवर में 31 रन, 7.75 की उनकी इकोनॉमी रही। और उसके अलावा नीरज शर्मा ने 4 ओवर में 37 रन करे, 9.25 की इकोनॉमी उनकी रही। फिलहाल वापस के बैट चलते हुए दाएं हाथ से वो दो विकेट गेंदबाजी के लिए अजय सामने। बढ़िया टैप किया गली एरिया में, अच्छी फील्डिंग, निशाना नहीं लगा वहां पर, अच्छी फील्डिंग। और ये लीजिए जी, नहीं बैकअप है, 1 रन मिलेगा। वहां पर फील्डर मौजूद थे, अच्छा रोका था बॉल को, लेकिन प्रिंस आया अच्छा बैकअप में। लग रहा था अंकुश तो नहीं रोक पाए, तो लग रहा था कि यहाँ पर 2 रन 3 रन आ जाएंगे ओवर थ्रो के रूप में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 रन इसी के साथ स्ट्राइक राजीव सुमन के पास दाएं हाथ से वो दो विकेट। ओ ये लीजिए एक बार फिर कैच ड्रॉप। ओ ये क्या हो रहा है, ये दूसरी बार देखा कि हेमंत की नजर जो है बॉल की ओर नहीं, और ना साथी बल्लेबाज, तालमेल के अभाव देखने को मिला यहां पे। प्रयास एक मुश्किल सा प्रयास परिणाम में तब्दील नहीं हो पाया, अटेम्प्ट बना था लेकिन फिलहाल वापस गेंदबाज दाएं हाथ से। यहां पर आपकी बार बॉल बल्ले पे लगी और ये एक बार फिर बॉल बहुत दूर। तो बेहतरीन स्लॉग सूट लगाया डीप मिड विकेट के ऊपर से, 215 जा पहुंची है रन संख्या। और यहां पे खुद की उनकी रन संख्या 71 जा पहुंची और छठा छक्का उनके बल्ले से लग चुका है। 208 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं राजीव सुमन। वापस तैयार गेंदबाज, यहां पर एक बार फिर टाइमिंग नहीं है, फील्डर गलती। ये क्या हो रहा है, कप्तान हेमंत से क्या ड्रॉप हुआ, जहां पे विकेट मिलना चाहिए था वहां पे 4 रन मिल गए। किस्मत में बहादुरों का साथ देती है और ये समझ में नहीं आया, इतने मुस्तैद चतुर इतने बेहतरीन फील्डर से क्या ड्रॉप, लाल ड्रॉप हुआ तो हुआ, रन मिले 4। 219 जा पहुंची रन संख्या, 2 गेंदें शेष रहती है। धन्यवाद देंगे हम यहाँ पर हमारे टीम के सदस्य निपेंद्र निपी। ओ बढ़िया बाउंसर, हेलमेट से टकराई बॉल, हुक लगाना चाह रहे थे और ये लीजिए तारीफ करनी होगी यहाँ पे, प्रदीप ने अच्छा रोका बॉल को, अजय ने तो ओवर थ्रो की पूरी उम्मीद कर ली थी और निकल भी पड़े थे, इरादा वापस लेना पड़ा उन्हें। अंतिम बॉल होगी ओवर नंबर 20 की है
220 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर इस समय नजर आ रही है। तो अंतिम ओवर की अंतिम बॉल स्ट्राइक अजय के पास, 220 रन स्कोर बोर्ड पर, वापस चलते हुए गेंदबाज ऑफ सबके बाहर की बॉल को कट के ले गए थे, कामयाब नहीं, विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची। इसी के साथ अंपायर ने बताया व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल, 221 रन बनता हुआ। वापस एक बार फिर गेंदबाज चलते हैं दाएं हाथ से वो दो विकेट, ये बॉल छोटा बॉल बाहरी किनारा और वहां पर फील्डर मौजूद है, गलती नहीं होगी। इस प्रकार से अंतिम बॉल पे जाके विकेट गिरी है, एक 221 रन बनाए हैं, 115 रन की पार्टनरशिप हुई तीज यहाँ पर पांचवे विकेट के लिए। तो 221 रन बनाए हैं निर्धारित 20 ओवर में, और जो लक्ष्य है निर्धारित 20 ओवर में 222 रनों का है। फिलहाल इनिंग ब्रेक यहाँ पे हो चुका है और हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ डीएस स्पोर्ट्स फैक्ट्री में जुड़े हैं, सभी का स्वागत, अच्छी तादाद में जुड़े हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप इस पेज को शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, जाइएगा नहीं, मिलते हैं बड़ी जल्दी जब पुनः मैच प्रारंभ होता है। शुक्रिया।
तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूँ और मुकाबला पहला क्वार्टर फाइनल जो खेला जा रहा है यहाँ पर टीम सचिवालय और टीम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन 221 रन बनाने हैं। यहाँ पर सलामी जोड़ी अविनाश नेगी और पवन कुमार के रूप में पहुंच चुकी है, जबकि पवन कुमार गेंदबाज। चले ये बॉल पहला ही बॉल शानदार शॉट चार रन, जैसे देखा ऊपर और अंदर का बॉल है, फ्रंट फुट निकाला, क्रॉस गए अविनाश खेलने के लिए और शानदार अंदाज में खाता खोला अपना और अपनी टीम का चार रन से। तो जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सेमीफाइनल में अंतिम चार में प्रवेश कर लेगी। पांचवे वाइस चांसलर T20 डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट, क्यों कह लीजिए कि आप अपने यौवन पर है। फिलहाल वापस गेंदबाज चलते हुए दाएं हाथ से वो द विकेट, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल, थोड़ा बैकफुट पे जाके खेलना चाह रहे थे एक बार फिर, थोड़ा क्रॉस लेकिन बॉल बल्ले के बजाय पैड से लगी निकली गली एरिया में, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, रन तलाश रहे थे लेकिन मिलेगा नहीं। अपील हुई थी हल्की सी LBW की लेकिन अंपायर ने उस अपील को खारिज किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। संदीप भारद्वाज ट्रेमेंडस नॉक कह रहे हैं सुमन, राजीव सुमन के लिए दो रन, और जैसे देखा छोटा बॉल है, बढ़िया बैकफुट पे वेट ट्रांसफर किया, बॉटम हैंड दे गए, बॉल बल्ले के थोड़ा नीचे लगी, बॉटम में लगी, यही कारण है उतना दूर नहीं गई। फिलहाल एक रन दौड़ करके पूरा दो रन मिलते हुए यहाँ पर कुल रन संख्या 6 जा पहुंची है। 222 रन बनाने ये मुकाबला जीतना है तो टीम शिक्षा विभाग को, शिक्षा निदेशालय को। वापस गेंदबाज, ओ ये बॉल कहां से आई, भाग्यशाली है कि नजदीक पे फील्डर नहीं, शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, बल्लेबाज कमिटेड थे अपर कट के लिए, पॉइंट के ऊपर से मारने के लिए बॉल तेजी के साथ उनके शरीर की ओर चेहरे की ओर आया है, बल्ले के हैंडल से बॉल लगी, थोड़ा सा बॉल लगी है यहाँ पर, फर्स्ट एड लेना चाहते हैं जैसे तो हम धन्यवाद दे रहे हैं। मौसम की बात की जाए तो आज आसमान में बादलों की चादर है, सफ़ेद चादर, और छन छन के धूप आ रही है इस समय। दानिश कुमार स्प्रे लेकर के पहुंचे हैं, फर्स्ट एड की सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। धन्यवाद देंगे हम हमारे राजेश ठाकुर जी, हमें दिखाई दे रहे हैं सर पूरे न्यूजीलैंड के जो है न्यूजीलैंड वासी नजर आ रहे हैं जैसे। फिलहाल ये ऑस्ट्रेलिया वाले, पीला रंग तो ऑस्ट्रेलिया वालों का, कंगारुओं का। राजेंद्र ठाकुर 6 रन संख्या है इस समय, दूसरा पहला ओवर प्रगति पर। चले गेंदबाज एक बार फिर पुल के ले गए थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ के बॉल को नजर हटा ली थी पुल खेलते समय, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर बॉल विकेट के पीछे, कप्तान अनिलेश्वर अच्छा काम करते हुए बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ से वो तो विकेट, फिर रक्षात्मक तरीके से सीधे बल्ले से खेला एक ओवर पूरा 6 रन बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। 6 गेंदों पे 6 रन बनाए हैं यहाँ पर बल्लेबाज अविनाश नेगी ने, जबकि पवन कुमार अब पहली बार स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी में देखना है उधर से कौन आता है और आने के बाद क्या कुछ करते हैं। अजय अमराटे आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, हेमंत हिमराल, पवन हिमराल विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट के काफी प्रभावित किया है हिमराल ने अपनी बल्लेबाजी से, यहाँ एक अलग ही छाप छोड़ी है और ये होना भी चाहिए। विभागीय क्रिकेट जैसा कि बड़ी अच्छी बात करी थी वहाँ पर शुभकरण जी जो कप्तान रहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, शायद उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इस प्रकार के आयोजन से जो विभागों में है जो सामंजस्य बनता है, तालमेल बनता है। सबके बाहर अपर कट, दो रन कट के ले गए, काफी ऊपर गया थर्ड मैन के एरिया में उनका शॉट, ये पीछे फील्डर है नहीं और होते भी तो शायद मुश्किल होता, दो रन मिले यहाँ पर, खाता खोला दो रनों से अपना पवन हिमराल ने, कुल रन संख्या जा पहुंची 8। वापस गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए
चलते हुए गेंदबाज दाएं हाथ से वो दो विकेट गेंदबाजी के लिए। तेज शॉट जोर से मारा लेकिन गई नहीं बॉल उतना, हवा में थी जरूर लेकिन नजदीक में फील्डर नहीं, पीछे फील्डर है पवन। इससे पहले के बॉल को उठाते एक रन दौड़ करके पूरा किया हिमराल ने और स्ट्राइक सौंप दिया साथी बल्लेबाज अविनाश को। नौ कुल रन संख्या, क्या बढ़िया एग्जीक्यूट किया इस ड्राइव को, फ्रंट फुट निकालते हुए सीधा बल्ला ले गए। हालांकि रन सिर्फ एक मिलेगा क्योंकि वहां पर फील्डर मौजूद हैं सुमन। वापस गेंदबाज चले, पटका हुआ बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल, बड़ा प्रहार गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर पूरे तरीके से मुस्तैद, बॉल को रोका गैदर किया रन कोई नहीं। वापस एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ से वो दो विकेट। एक बार फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल पुल लगाया मिड विकेट में, फील्डर मौजूद लेकिन एक रन जो मिलना था वो मिला। उधर से वापस गेंदबाज एक बार फिर अपने ओवर के अगली बॉल के साथ सामने हिमराल अविनाश चमक कीजिएगा अविनाश नेगी एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी चले। ये बॉल ऊपर का बॉल थोड़ा क्रॉस गए थे खेलने के लिए। इसी के साथ यहां पर दूसरा ओवर भी पूरा हो चुका है, दो ओवर की समाप्ति पर 11 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर सेकेंड। जीत के लिए 211 रन यहां से और चाहिए। टीम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और टीम हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट के बीच ये मुकाबला चल रहा है। धूप आज उतनी तेज नहीं लेकिन थोड़ा सा जो है अन्य दिनों के मुकाबले आज कहा जाए कि तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है, और लेकिन ये जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है ये बता रही है कि मुस्कुराइए कि आप शिमला में हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी पहाड़ों की रानी। उधर से गेंदबाज चलते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल स्क्वायर कट के ले गए, एक बार फिर कामयाब नहीं, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया, एक बार फिर कोई रन नहीं। दूसरा तीसरा ओवर प्रगति पर है पवन के द्वारा, बढ़ते हुए गेंदबाज दाएं हाथ से वो दो विकेट। यहां पर लगी थी बॉल कहीं, अंपायर का इशारा दो रन का है, जी हाँ और कोई इशारा नहीं, इसका मतलब बॉल ने बल्ले का कुछ किनारा लिया अंदरूनी या बाहरी और विकेट कीपर को चकाती हुई निकली डी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर दो रन के लिए। वापस उधर से गेंदबाज चले, बढ़िया कट और दो रन और, विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं, फाइन थर्ड मैन में जो फील्डर है वो रोक नहीं पाए, दो रन और आते हुए। ऑफिसम के बाहर की बॉल पे बल्ला ले गए थे, बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप होती तो यहां पर मौका बन सकता था, स्लिप थी नहीं इसलिए दो रन। तेजी से निकली गेंद की गति थी शॉट में, दरअसल बल्ले से लगने के बाद गेंद ने गेंद की गति ने अपना कमाल दिखाया, अपना काम दिखाया,
कह लीजिए अपना काम कर गई। ओ क्रॉस गई खेलने के लिए, शरीर से बॉल लगी है, तेज बॉल, इसी के साथ एक और डॉट बॉल, 15 रन स्कोरबोर्ड पर, तीसरा ओवर प्रगति पर, जीत के लिए 222 रन बनाने हैं, एक सदी हुई शुरुआत कही जाएगी। इनिंग के पहली बॉल पे शानदार छक्का लगा के अपने इरादे जाहिर किए अविनाश नेगी ने, लेकिन फिलहाल ये बढ़िया का चार्ट, और ये लीजिए 6 रन लिख लीजिए स्कोर, क्या बेहतरीन अपरकट लगाया ऑफ सब के बाहर, सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी, शोएब अख्तर को ऐसे ही छक्का लगाया था 2003 के विश्व कप में थर्ड मैन के एरिया में, पटका हुआ बॉल और इसी के साथ 21 जा पहुंची रन संख्या। हालांकि उस मैच में वकार यूनुस को छक्का तो सहवाग ने भी लगाया था, लेकिन प्रसिद्धि जो मिली वहां पर, चर्चाएं जिसकी रही क्रिकेट जगत में तब भी और अब भी रहती है, वो सचिन के उस छक्के की जो शोएब अख्तर को लगाया था, बिल्कुल इसी तरीके से अपर कट लगाया उन्होंने 6 रन के लिए, 21 जा पहुंची रन संख्या यहां पर 3 ओवर की समाप्ति पर। हमारे रामेश्वर जी बढ़िया शॉट, हाथों में बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, क्या कमाल का कैच पकड़ा हुआ, ऊपर का बॉल स्क्वायर ड्राइव किया, खड़े खड़े बॉल बल्ले पे लगी और पॉइंट में उसके बाद दिखाई दी, निगाहें तो कहीं और जा रही थी लेकिन हाथों में बॉल समा गई, चिपक गई बिल्कुल। और ये देखिए, जानते हैं किसका विकेट मिला है, ये कैच एक इस टूर्नामेंट के योगेश ने कैच पकड़ा, सबसे बेहतरीन कैचों में एक कैच होगा ये, बल्ले से लगने के बाद बॉल सीधा फील्डर के हाथों में समा गई, नीचा कैच था, फ्लैट शॉट, विकेट नंबर 1 यहां पे अविनाश नेगी। जी हां, एक बड़े खिलाड़ी को, एक बेहतरीन खिलाड़ी को अगर आपको आउट करना है तो बेहतरीन प्रदर्शन, आपको बेहतरीन प्रयास करने होंगे, और यहां पर वो बेहतरीन प्रयास किया और वो प्रयास परिणाम में तब्दील, सफल प्रयास जिसे कहें। तो विकेट नंबर ओवर नंबर 2 की समाप्ति, 2.1 ओवर 21 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, 3.1 ओवर। तो ये सफलता जाएगी गेंदबाज अजय अमराटे के खाते में, लेकिन अगर यहां पे कहा जाए इसका श्रेय वास्तव में, वास्तविक श्रेय फील्डर को जाएगा, बहुत ही कमाल का कैच पकड़ लिया। तो इस प्रकार से पहली विकेट का पतन यहां पर होता हुआ, वापस उधर से गेंदबाज चलते हुए दाएं हाथ से वो दो विकेट, दाया हाथ से वो दो विकेट गेंदबाज, नो बॉल, ये लीजिए फ्री हिट होगी। अच्छा फिलहाल फ्री हिट बॉल का सामना करने के लिए बल्लेबाज के पास लाइसेंस, हिमराल के पास, हिमराल नहीं बल्कि हेमंत है टीम के कप्तान, लेंथ बॉल था, तेज बल्ला चलाया लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। आज प्रैक्टिस के दौरान पवन जी अपना मोबाइल छोड़ के गए थे और हमारे रामेश्वर बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस मोबाइल का लॉक खोला और जब फोन गैलरी में गए तो वहां पर देखा हेमंत ने अपने भारवाली का नंबर मोटर मैकेनिक के नाम से सेव कर रखा है। वापस गेंदबाज, बढ़िया हुक लगाना चाह रहे थे, एक बाउंसर कॉल किया है अंपायर ने, शोल्डर हाइट से ऊपर का बाउंसर था ये, अच्छी गेंदबाजी अजय अमराठे के द्वारा होती है। वापस गेंदबाज अपने ओवर के अगली बॉल के साथ,
चलते हैं। पटका हुआ बॉल था, दूर गए थे खेलने के लिए, हालांकि कामयाब नहीं, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। तो यहाँ पर मैं कहूँ रनिंग बिटवीन द विकेट के बॉल के करीब जाके सिंगल्स के लिए जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना जल्दी ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट रहेगी, क्रिकेट के हर फॉर्मेट की सबसे कारगर और हर परिस्थितियों की सबसे कारगर रणनीति होती है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उसे आप जितना फॉलो करते हैं वो टीम के लिए उतना हितकारी रहती है। ऊपर का बॉल बढ़िया स्क्वायर ड्राइव, अब की बार वहां पर योगेश के लिए कोई मौका नहीं, दो रन मिलेंगे। खाता खोला हिमन ने दो रनों से अपना और कुल रन संख्या जा पहुंची है इस समय 24 चौथे ओवर में 24, 198 रनों की दूरी अभी और तय करनी है। वापस गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए, छोटा बॉल और थर्ड मैन के एरिया में दिशा देने का प्रयास था, कामयाब नहीं। 24 ओवर 24 रन छपा कीजिएगा एक ओवर चार ओवर की समाप्ति पर। 24 विद द लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। अब गेंदें शेष रहती है यहां से 96 और इन 96 गेंदों पर 198 रन बनाने हैं। तो अब यहां से समय है कि इस समय बल्लेबाजी वाली टीम को इससे बचना चाहिए कि बॉल कंज्यूम ना हो, डॉट बॉल से बचना होगा। सिंगल डबल्स को निकालते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, खराब बॉल का इंतज़ार करना होगा। लेकिन अच्छी बॉल को खराब बॉल बनाने का प्रयास करोगे तो फिर वो यूँ कह लीजिए कि कहीं से भी टीम के पक्ष में नहीं रहेगा। दो बेहतरीन टीमें, हर किसी की निगाहें इस मुकाबले में हैं, जानते हैं कि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों में हैं। हिमराल ओवर पिच बॉल कट के ले गए थे थोड़ा पीछे आते हुए, ओवर पिच बॉल था लेकिन जैसे देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल है तो आगे जाने के बजाय कट के लिए गए थे, थर्ड मैन का एरिया तलाशा था। हालांकि गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर अनिलेश्वर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। वापस एक बार फिर गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ गेंदबाजी के लिए, यहाँ पर कॉट बिहाइंड की अपील, जी नहीं, तारीफ करनी होगी विकेट कीपर ने, अच्छा गैदर किया, पैड से लगती हुई बॉल गई, साउंड पैड का था दरअसल, बल्ले का साउंड नहीं था। अच्छा निर्णय अंपायर के द्वारा, अंपायर अनुराग ठाकुर उर्फ गोविंदा। वापस गेंदबाज चलते हुए दायां से उधर विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर दूर से बल्ला चलाया, एक बार फिर तारीफ करनी होगी यहाँ पे पवन की, बड़ी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्कि पवन से रामेश्वर जी ने एक वादा भी किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मोटर मैकेनिक के विषय में। चलते हुए गेंदबाज दाएं हाथ से वो द विकेट, अच्छा स्लो बॉल को डिलीवर किया, गति परिवर्तन और बल्लेबाज पूरे तरीके से भ्रमित हुए, नहीं खेल पाए। थोड़े से मुस्कुराते हुए आपस में मश्करी भी चलती हुई, दोनों विकेट कीपर है दरअसल, हिमराल भी और अनिलेश्वर भी, तो एक दूसरे की भावनाओं को ज्यादा बेहतर समझते हैं। काफी बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है पवन हिमराल, हर मैच में अपने आप को साबित किया है उन्होंने, दिखाया है। वापस गेंदबाज चले, ये अच्छा बॉल ऊपर काश कमर की ऊंचाई पर शरीर के करीब का बॉल, सॉफ्ट एंड से खेला, बॉल पॉइंट में निकली, योगेश तेजी से आए जरूर लेकिन तब तक देर हो चुकी, एक रन। हमारे कमलेश जी रात भर शायद पूरे घर में काम करते रहे श्रीमती जी के आदेश पे, अब वो थकान उतारते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा, दूसरी दुनिया के शहर में है कमलेश जी इस समय। फिलहाल इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं राजेंद्र ठाकुर, दानिश, महेश व्यास जी और ललित चौहान जी अभी अभी पहुंच चुके हैं। ललित चौहान चेयरमैन ये अच्छा शॉट, क्या कैच होगा, वाह क्या कहना, कैच ऑफ द मैच, और यहां पर बल्लेबाज को वापस जाना होगा। ऊपर का बॉल जोर से मारा,
और वहां पर क्या संतुलन है, एक हाथ से उस कैच को पकड़ा और वहीं पे खड़े हैं कि आइए देखिए आप। तो इस प्रकार से विकेट नंबर दो का पतन, तारीफ करनी होगी क्या। देखिए बॉल पे अगर आपकी अंत समय तक निगाहें रहेंगी ना तो यही होगा। वहां पर राजीव सुमन हैं, बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा उन्होंने, दूर मारा था, थोड़ा सा डिस्टेंस कम, लेकिन इतना आसान नहीं होता बाउंड्री रोप से सट के इस कैच को पकड़ने का, और वो भी एक हाथ से, वन हैंडेड टेकन, बहुत ही लाजवाब कैच। दो विकेटें गिरी है तो दोनों विकेट में फील्डर्स कुछ ले जाएगा। पहले योगेश ने बढ़िया कैच पकड़ा और यहां पर और बेहतरीन कैच पकड़ते हुए आज राजीव सुमन, आज तो जैसे दिन है उनका, आज शानदार बल्लेबाजी भी करी उन्होंने, शानदार अर्धशतक बनाया और यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ शिक्षा विभाग को कप्तान हेमंत के रूप में। पांचवें ही ओवर में 26 जा पहुंची रन संख्या। जी उत्तराखंड देहरादून से हमारे संजय नेगी जी तो हैं देहरादून से, मेरे पड़ोस से, वहां उनका मामा कोट है। तो फिलहाल सतीश आ रहे हैं अब। आज सतीश के पिछले दो मैचों से जो उनके बल्ले ने खामोशी का आवरण ओढ़ा हुआ है, वहां पे फिलहाल अपेक्षाएं रहेंगी उनसे के छब्बीस दो खिलाड़ी के नुकसान पर सतीश आए हैं। शुरुआती मैच की वो तूफानी पारी और बेहद अनुशासित खिलाड़ी हैं, बड़े सौम्य व्यवहार के, व्यवहार कुशल जिसे कहते हैं। फिलहाल गेंदबाज चले, ये लीजिए 6 रन जी नहीं 2 रन, अंदर गिरी बॉल, अजय अमराठे हैं गेंदबाज, डीप एक्स कवर के एरिया में, थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ा। ऑफिस टर्म के बाहर इस बार लेंथ दिया, लंबाई को कम किया, बाहर रखा बॉल को, कट के लिए जाना चाह रहे थे, हिमराल कामयाब नहीं होंगे। 28 इस समय रन संख्या, छठा ओवर प्रगति पर, दो खिलाड़ियों का नुकसान उठाया हुआ है, एक लंबी दूरी तय करनी है। 182 रन यहां से, क्षमा कीजिएगा 182 नहीं 194 रन और बनाने हैं अभी। बढ़िया शॉट, अब पैर का इशारा, 2 रन, थोड़ा सा नीचे गया उनका शॉट, अच्छा स्क्वायर कट। हिमराल अब धीरे धीरे रंग में आते हैं, लय में आते हैं। दाएं हाथ से वो द विकेट गेंदबाज चलते हुए, ओहो बढ़िया कट शॉट और ये वापस, 4 रन है, 6 रन। ऑफिस क्या कह रहा है यहां पर, हिमराल का तो ये पसंदीदा शॉट है, ऑफिस के बाहर अगर खुला हुआ बॉल मिलेगा तो यहां पर वो यही करेंगे। दूसरा छक्का है इस इनिंग में उनके द्वारा इस एरिया में, इस क्षेत्र में, बेहतरीन गेंदबाजी, रन संख्या जा पहुंची है 36, 186 रन यहां से अभी और चाहिए। छठा ओवर प्रगति पर, एक अच्छा ओवर घटता हुआ, ये वापस गेंदबाज चलते हुए, ओवर पिच बॉल, इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, ज्यादा पैरों में हरकत नहीं थी, क्रॉस गए थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, विकेटकीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। वापस बढ़िया कट, लेकिन पॉइंट में योगेश मौजूद, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ एक और ओवर की हुई समाप्ति, 36 रन ओवर नंबर 6 की समाप्ति पर, 36 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 6। अब देखते हैं सतीश इस समय
स्ट्राइक पे रहेंगे, गेंदबाजी में परिवर्तन होता है। राजीव सुमन आते हुए नजर आ रहे हैं, आज जो शानदार शतक बनाया उसके बाद क्या कमाल का कैच पकड़ा, एक हाथ से बाउंड्री रूप से सटते हुए जहां पे 6 रन दिखाई दे रहे थे, और इतना सरल नहीं होता। देखिए प्रयास ही परिणाम की जननी है, ये जरूर है कि आप प्रयास करें आपको सफलता ना मिले, लेकिन एक सत्यता यह है कि सफलता का एकमात्र पैमाना प्रयास ही है, और वो करते रहने चाहिए, और किया तो उसका परिणाम मिला। वापस गेंदबाज दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए सामने सतीश, वापस गेंदबाज बाहर का बॉल, बॉल की ओर गए लेकिन बॉल को छेड़ खेलने की जरूरत नहीं समझी, तो कह लीजिए स्टंप्स को कवर किया ताकि बॉल कहीं अंदर आए तो स्टंप्स में ना जाए। फिलहाल डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए, ये वाइट बॉल होगी, इस बार ज्यादा बाहर, और पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर को निकली। अंपायर ने बताया कि ये बॉल वाइट बॉल है, रन आया एक वाइट बॉल के रूप में। गेंदबाजी के लिए अभी दिलीप भी एक बहुत बेहतरीन विकल्प है, देखना है उनपे कब आएंगे गेंदबाजी के लिए। चलते हुए गेंदबाज एक बार फिर अपने ओवर की अगली बॉल के साथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल सीधे बल्ले से प्लेस किया आगे की ओर, स्ट्रोक खेलते निकले थे सतीश, लेकिन मना किया हेमंत ने, पवन ने, खतरा होगा, रन आउट हो सकते हैं, तो बेहतर है रन ना लिया जाए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। विभागीय क्रिकेट आजकल काफी ज्यादा प्रचलित हो चुकी है, लगभग हर राज्य में आयोजित होती है, और विभागों से कई विभाग ऐसे हैं जो खासतौर से केंद्रीय सरकार के जहां स्पोर्ट्स कोटा होता है। बढ़िया स्टेट ड्राइव, 4 रन, क्या कहना, शॉट का लाजवाब शॉट सतीश के बल्ले से, तो कई विभाग केंद्रीय सरकार की जो तो नीति है कि खेल विभाग होता है, और कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है कई विभागों में कार्यरत भी हैं। ONGC का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कोटा है, अगर हम स्पोर्ट्स कोटे की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग, मुनव पटेल, कई खिलाड़ी, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ONGC हाउस से जुड़े हैं। उसके अलावा रेलवे के पास भी बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कोटा है, बढ़िया स्क्वायर कट लगाया था संजय बागट, रेलवे से ही रहे। कई क्रिकेट के अगर हम बात करें, पोस्टल डिपार्टमेंट्स के पास भी स्पोर्ट्स कोटा है, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट पे क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के खिलाड़ी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और कई अन्य खेलों में, उसके अलावा शॉट ऑफ लेंथ का बॉल कलाइयों के सारे खेला स्क्वायर लेग एरिया में। ऑडिट की टीम के पास भी काफी ज्यादा, ऑडिट में एक मेरे करीबी मित्र प्लेयर्स जिसमें हिमांशु राणा अंडर 19 वर्ल्ड कप सोनीपत से हैं, 2018 विश्व विजेता टीम के सदस्य, उससे पहले 2016 में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे एशियन कप में, जब भारत ने अंडर 19 में श्रीलंका को श्रीलंका में हराया था। बढ़िया क्रॉस, 2 रन, 4 रन, बढ़िया फ्लिक किया पैरों की ओर की बॉल को, तो यहां पर एक और ओवर की हुई समाप्ति, और इसके साथ रन संख्या 48 जा पहुंची है 7 ओवर की समाप्ति पर, 48। और उसके अलावा अगर बात करें तो स्पोर्ट्स कोटे से पुनित बिस्ट, IPL प्लेयर, कई खिलाड़ी हैं ऐसे विभागों में कार्यरत, राज्य सरकार में भी कई खिलाड़ी, खासतौर से पुलिस विभाग के पास स्पोर्ट्स कोटा अच्छा होता है, और शिक्षा विभाग में कहा जाए तो शिक्षा विभाग में
टीचर्स की जो वास्तव में टीम होती है हर राज्य में बेहतरीन होती है, क्योंकि उनके पास जो पीटीआई होते हैं, इमराल कह रहे हैं कि सबर का फल मिठुआ, सबर कीजिए, उन गेंदबाजों का इंतजार कीजिए जो रेगुलर बॉलर्स नहीं है। गेंदबाज चलते हुए दाएं हाथ से वो दो विकेट, हमें सिद्धार्थ शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, सचिव हरी शर्मा जी कुछ बढ़िया शॉट, ये सतीश का अपना अंदाज है, और लेकिन वहां पर पवन का भी अपना अंदाज है, बड़ी बस्ती जाल में फंसती हुई, ऊपर का बॉल था, दूर गए थे मारने के लिए, बॉल ऊंचाई में गई, ऐसा लग रहा है बहुत दूर जा रही है लेकिन सिर्फ ऊंचाई में गई, और नीचे आई तो नीचे पवन थे, कोई गलती नहीं करी पवन ने उस कैच को लेने में, विकेट नंबर 3। सतीश आज एक बार फिर निराश कर गए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। इससे एक बॉल पहले इमराल ने उन्हें एक संदेश भी पास किया था कि देखिए दो बॉलर्स की कमी है, दो बॉल रेगुलर बॉलर नहीं है तो बेहतर है इंतजार किया जाए, लेकिन जी नहीं, इंतजार ही तो है जो होता नहीं। दरअसल ऊपर का बॉल देखते ही लालच में आ गई और दूर मारने के लिए गए, और वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला, नुकसान उठाया टीम ने, शिक्षा निदेशालय ने सतीश के रूप में, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है कि अगर 5 ओवर में 70-80 रन चाहिए तो वो मादा रखता है, क्योंकि हमने देखा था 182 रन जब बनाने थे तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे शिक्षा विभाग की टीम ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन सतीश नाम का जो तूफान आया था, जैसे मैं कह रहा हूं कि रामेश्वर जी कह रहे थे कि ये मर्द नाम के तूफान क्रिकेट में तो आते हैं, भले ही प्राकृतिक तौर पर ना आए, प्राकृतिक तौर पर कैटरीना आ जाए या सुनामी आ जाए या अन्य जो भी नाम दिए जाते हैं तूफानों को। तो यहां पर शानदार सफलता अर्जित करी गेंदबाज ने, विकेट नंबर 3 का पतन हो चुका है गेंदबाज इस समय। अभित ठाकुर नए आए बल्लेबाज, अंकुश देस्टा ने इस बॉल को कट किया, गली एरिया में रन तलाश रहे हैं, मना किया हेमंत ने, पवन ने, हिमराल ने बिना किसी रन के। तो सचिवालय की टीम और एजुकेशन दो सर्वश्रेष्ठ टीमें इस प्रतियोगिता की आमने सामने। ये एक बार फिर हवा में, लेकिन मुझे लग रहा है 6 रन है, जी हां पूरा डिस्टेंस, जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बढ़िया बल्ले का फेस थोड़ा सा खोल दिया था, यही कारण रहा कि थोड़ा सा डिस्टेंस में ऊंचाई के साथ गया है शॉट उनका, और पॉइंट के ऊपर से 6 रन अंकुश ने, लाजवाब शॉट, 6 रन से खाता खोला अपना अंकुश ने, और 50 रनों का आंकड़ा पारी छक्के की मदद से। ये एक बार फिर वहां पर क्या कैच होगा, जी नहीं, यहां पर अंपायर का इशारा देखना होगा, 2 रन इस बार थोड़ा स्क्वायर चला गया, शॉट अगर सीधा जाता तो मुश्किल में पड़ सकते थे अंकुश, लेकिन जी नहीं, अंकुश देस्टा। छह पे जा पहुंचे हैं समय, रन संख्या 56, 8वां ओवर प्रगति पर, गेंदबाज चले, एक बार फिर ऊपर का बॉल, हाई बैट क्लिप से तेज बल्ला चलाया, हालांकि गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज चलते हुए दाएं हाथ से वो दो विकेट, एक बार फिर 6 रन, क्या बेहतरीन शॉट, सीधा बल्ला ले गए, बॉल बल्ले में मिडिल ही ऊपर गई, ले और दूरी भी तय करी, एक अच्छा ओवर यहां पे घटता हुआ, रन संख्या 62 जा पहुंची है, 160 रन यहां से भी और चाहिए। अंकुश देस्टा अपने ही अंदाज में, 8 ओवर मुकम्मल, 8 ओवर 62 रन, 14 ओवर शेष, 160 रन यहां से और चाहिए। तो एक प्रोडक्टिव ओवर, पिछले ओवर में एक सफलता जरूर मिली, लेकिन 14 रन भी खर्च किए ये सफलता अर्जित करने के लिए, सतीश के रूप में जो सफलता मिली। तो अब देखना है, हिमराल के पास स्ट्राइक है और गेंदबाजी में राजीव सुमन वापस आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहले ओवर में उन्होंने भी 12 रन खर्च किए, पिछले 2 ओवर से कहा जाए तो 26 रन आ चुके हैं।
तो राजीव सुमन चलते हुए गेंदबाजी के लिए। ये लीजिए, यहां पर क्या कैच होगा? ओ, यहां पे हिमराल को भी जाना होगा, खुद से नाखुश। ऊपर का बॉल दूर मारने के लिए और बल्लेबाज एक बार बाउंड्री लाइन पे इंतजार कर रहे थे कि शायद ये ऊपर से बॉल निकलेगा तो उछल के लपकेंगे, लेकिन बॉल आगे की ओर आया और वहां पर गोद में लिया उस कैच को, कुछ क्षण के लिए छूटा लेकिन समाया, शरीर में कंट्रोल में रहा और यहां पर चौथे विकेट का पतन। इमराल भी आउट, शानदार पारी इमराल की, 29 रनों की आखिरकार उसका अंत हुआ। और पिछले ओवर में जो खुद पे धैर्य दिखाने के लिए बोल रहे थे सतीश को, वो धैर्य यहां पर उन्होंने खुद भी खोया। तो इस प्रकार से यहां पर विकेट नंबर 462 के योग पर ओवर नंबर 9 समय प्रगति पर है, हमें दिखाई दे रहे हैं इस समय हमारे ऑफिशियल्स, चेयरमैन ललित चौहान जी, साथ ही साथ महेश व्यास जी, राजेश चौहान, मनु भाई, राजेंद्र ठाकुर, दानिश, मुकेश, राजू ठाकुर, निपेंद्र, तारीफ करनी होगी इस टीम की, बड़ी लंबी चौड़ी टीम है। हरीश शर्मा इसमें है, धर्म प्रकाश जी इसमें है, शशि जी हैं, हमारे कमलेश जी हैं। वापस गेंदबाज, तो इस समय 62 के ऊपर ये चौथी विकेट का पतन। थोड़ा सा बैकफुट में इस समय टीम, अगले बल्लेबाज नीरज आए हैं। ये बॉल अच्छा खेला आगे की ओर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और संदीप भारद्वाज फेसबुक पर देख रहे, वहां चल नहीं रहा, बिल्कुल वहां नहीं चल रहा है संदीप भारद्वाज जी, कुछ तकनीकी कारणों से। तो आप अपने अन्य मित्रों को भी ये संदेश दे दें कि वो हमारे साथ जुड़े, तो डीए स्पोर्ट्स फैक्ट्री के पेज से जुड़े। सभी का स्वागत और अभिनंदन है, कुछ तकनीकी कारण है। वापस गेंदबाज, ये अच्छा स्लो फिंग, उंगलियां फेरते हुए बॉल को डिलीवर्ड किया, रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज ने, रन कोई नहीं आएगा। नीरज है इस समय स्ट्राइक पर, रन संख्या इस समय 62, जबकि 4 विकेट गिर चुकी है। राजीव सुमन को 4 जो कैच पकड़े गए हैं, चारों कैच यू कह लीजिए कि बढ़िया कैच पकड़े गए। पवन वाला कैच इतना सरल नहीं था, बहुत ऊंचा था दरअसल। वापस गेंदबाज चलते हुए, ओ अच्छा गुड लेंथ का बॉल उछाल के साथ निकला, नीरज रक्षात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे बॉल के करीब जाके, भाग्यशालियों के करीब भी मुलाकात नहीं हुई, विकेट कीपर ने अच्छा गैदर किया बॉल को बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज, अभी तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, 5वें गेंदबाज के रूप में देखना है कि दिलीप एक बेहतरीन विकल्प है, उन पे कब जाते हैं, जाना तो पड़ेगा 5वें गेंदबाज पे, ऐसा नहीं है। लेकिन लीजिए कॉट बिहाइंड, जी हाँ, एक बार फिर ये गुड लेंथ का बॉल ऑफिसर के बाहर का बॉल के करीब जाके आगे की ओर खेलना चाह रहे थे, हालांकि इस बार बॉल समान उछाल वाला था, पिछले बॉल पे अतिरिक्त उछाल था, बॉल बल्ले के बाहरी किनारे को लेते ही विकेट कीपर अनिलेश्वर के संरक्षित स्थानों में समा गई। विकेट नंबर 5 का पतन, नीरज खाता भी नहीं खोल पाए और यहाँ पर यू कह लीजिए कि मुसीबत बढ़ती हुई, मुश्किल बढ़ती हुई फिलहाल यहाँ पर टीम की, मुश्किल से पार पाना है तो भागीदारी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो शिक्षा विभाग इस समय बैकफुट पे है, लेकिन अभी बैटिंग की बात की जाए तो प्रदीप पंडित शेष रहते हैं, जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली हुई, 146 रनों की, तूफानी बल्लेबाज है। अब देखना इन विषम परिस्थितियों में प्रदीप क्या कुछ कर पाते हैं, शतक लगाया है इस प्रतियोगिता का, 4th शतक उन्हीं के बल्ले से निकला था, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, क्या आज इन परिस्थितियों में क्या टीम के संकट मोचन बन पाएंगे, देखना ये होगा। और प्रदीप पंडित ही आए हैं बल्लेबाजी के लिए, तो अच्छा बॉल था यहां पर, दूसरी सफलता अर्जित कर लिया राजीव सुमन ने, बल्ले बल्ले का बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, अनिलेश्वर टीम के कप्तान अच्छा काम करते हैं विकेट के पीछे। तो एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए, उधर दो विकेट और उधर
अगर बात की जाए तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो अब फील्डिंग में तब्दीली, पंडित चलते हुए, पंडित भी एक बड़ा आकर्षित करने वाला नाम है। चंद्रकांत पंडित एक कैरेक्टर हुआ करते थे बेहद, एक महान रहस्यमयी उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा के केशव पंडित। फिलहाल दाएं हाथ से वो दो विकेट गेंदबाज चलते हुए, ये लीजिए स्लो किया, क्या कमाल का शॉट, बहुत दूर, शिमला की सैर पे भेज दिया बॉल को। अपना अंदाज दिखाते हुए आप प्रदीप और ये कहा छक्का लगा के उन्होंने, जैसे मैं हूं ना। 68 जा पहुंची रन से, क्या पूरा ओवर अच्छा जा रहा था, थोड़ा धीमा किया बॉल को और क्रॉस गए और सही कनेक्शन किया इधर बल्ले में, बहुत दूर बॉल गई। ओवर नंबर 9 की समाप्ति, 68 जा पहुंची रन संख्या 68। यहां से जीत के लिए अभी भी 154 रन बना दिए 66 गेंद शेष। चमत्कार को नमस्कार, कुछ करना होगा असाधारण, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अविनाश एक युवा बल्लेबाज है, दो युवा बल्लेबाज इस समय क्रीज पर, अब देखना है कि क्या कुछ करेंगे। फिलहाल तो वापस एक बार फिर गेंदबाज चले, ये लीजिए 6 रन और टाइमिंग उतनी नहीं लेकिन निकली एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जैसे देखा ओवर पिच बॉल है, बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर रीजन में 6 रन के लिए। इन 6 रनों की मदद से रन संख्या 74 जा पहुंची 74। वापस गेंदबाज 74, 10वां ओवर प्रगति पर चलते हुए, बढ़िया शॉट, 2 रन गैप में निकला एक बार फिर शॉट, अंदर जरूर था लेकिन फील्डर से दूर, फुल बॉल वापस उसको ड्राइव किया हवा में ऑफ स्टंप की लाइन का, एक्स्ट्रा कवर के एरिया में 2 रन मिले, हालांकि उससे ज्यादा कुछ नहीं। वापस एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए, दाएं हाथ से वो दो विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल आगे की ओर प्लेस किया, फील्डर मौजूद, इस बार रन नहीं आएगा, डॉट बॉल। वापस अपने ओवर की अगली बॉल के साथ गेंदबाज, दाएं हाथ से वो दो विकेट, गेंदबाजी की बागडोर इस समय संभाली हुई है अमित ठाकुर ने, बढ़िया कट गैप में, फील्डर को हिलने भर का मौका नहीं दिया, छोटा बॉल, बढ़िया कट, बिल्कुल क्रीज के समानांतर खेला इस शॉट को, और वहां पर बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के फील्डर के लिए हिलने भर का मौका नहीं, 2 रन और। वापस एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए, दाएं हाथ से वो दो विकेट, अंकुश की तारीफ करनी होगी, इस बार पैरों का बॉल फ्लिक के ले गए थे, धकेलना चाह रहे थे, बॉल बल्ले में कम लगी, पैड पे ज्यादा लगी, नजदीक में रही रन कोई नहीं, अंदर लगी बल्ले के और फिर पैड से लगी, डॉट बॉल जा पहुंची है एक और। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ बढ़ते हुए, दाएं हाथ से वो दो विकेट, अच्छा शॉट और यहां पर 4 रन और, क्या कमाल का स्टेट ड्राइव, कोई मौका नहीं। तो इसी के साथ ओवर नंबर 10 की हुई समाप्ति, 82 जा पहुंची है रन संख्या 82 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 10। पिछले ओवर की बात की जाए तो पिछले ओवर से पूरे 16 रन आ गए, अब 16 नहीं बल्कि 18 रन आए पिछले ओवर से, 14 रन आए पिछले ओवर से, क्षमा कीजिएगा 68 रन थे। तो इसी के साथ अब यहां पर यह देखना है कि क्या कुछ यहां पर होता है, आधे ओवर हो चुके हैं, आधी टीम पवेलियन वापस है, अब अगले 10 ओवर में जो रन चाहिए 140 रन, 14 रन प्रति ओवर की रफ्तार से। स्ट्राइक पर प्रदीप पंडित है और गेंदबाज राजीव सुमन, प्रदीप पंडित को गेंदबाजी करने के लिए तैयार चलते हुए, बढ़िया कट, आ तो दिलीप जो है
इंग्लैंड का पसंदीदा यहाँ पे कट कर रहे थे खुद से, ना खुश निराश हताश, थर्ड रन की एरिया में दिशा देना चाह रहे थे। और ये सबसे बड़ी उम्मीद, क्योंकि ये बल्लेबाज तूफान का पर्यायवाची है, जिस तरीके की तूफानी बल्लेबाजी करते हैं वहां पर दिलीप की तारीफ करनी होगी। कोई गलती नहीं करी इससे पहले, मुझे याद है दिलीप ने ऐसे ही एक बेहतरीन कैच पकड़ा था वहां पर बल्लेबाज सिद्धार्थ शर्मा का, वो भी एक बहुत कमाल का शॉट था। और ये भी शॉट में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फील्डर को चेक करना भूल गए, दरअसल खेलना कुछ स्क्वायर चाह रहे थे, शॉट उनका फाइन चला गया हवा में और वहां फील्डर ने कोई गलती नहीं करी, विकेट डब बचे यहां पर गिरते हुए। और पहली बॉल पे जो छक्का लगाया था आते ही बल्लेबाज प्रदीप पंडित ने, गेंदबाज राजीव सुमन की गेंद पे, तो राजीव सुमन ने हिसाब बराबर किया उनका विकेट निकाल के, तो विकेट नंबर 6 का पतन हो चुका है। और अब थोड़ी मुश्किल, क्योंकि यहां से ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, बड़ा रहस्यमय खेल है कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी मुश्किल जरूर है थोड़ी, क्योंकि गेंदे कम है, 59 गेंदे हैं, 140 रन चाहिए, ऊपर से 6 विकेटें गिर चुकी हैं। अब देखना है कि अगले बल्लेबाज कौन आए हैं और आके ये बल्लेबाज क्या कुछ करेंगे। प्रिंस आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अब देखना है प्रिंस यानी कि बादशाह, शहजादा, बादशाह नहीं शहजादा, राजकुमार, तो अपने नाम को चरित्रार्थ करना होगा। अंपायर से अपना गार्ड चेक करते हुए फिलहाल, तो फिलहाल वापस गेंदबाज चलते हुए गेंदबाजी के लिए। और संदीप भारद्वाज जी जुड़े हुए हमारे साथ लगातार ऊपर, ओहो यहां पर विकेट कीपर कुछ नहीं कर पाए, उछाल के साथ शरीर की ओर आया बॉल, बॉल लगी संभवतः बल्ले से, लेकिन विकेट कीपर स्लिप के एरिया से बॉल निकली, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अनिलेश्वर फाइन, थर्ड बैन के एरिया में फील्डर मौजूद थे, बॉल को रोका, हालांकि रन का कोई इरादा नहीं, मना किया वहां पर बल्लेबाज ने, रहने दीजिए रन नहीं लेते ज्यादा बेहतर रहेगा। राजीव सुमन आज 33 विकेट ले चुके हैं, इसके अलावा एक शानदार शतक भी बनाया, और कैच तो क्या कमाल का था एक हाथ से, वापस बढ़िया उंगलिया उंगलियां फेरते हुए जैसे एक स्पिनर बॉल को डिलीवर करता है, फ्लाइटेड बॉल दिया, दूर से लपेटना चाह रहे थे, झाड़ू शॉट, झाड़ू तो चलाया लेकिन सफाई नहीं हुई रनों की। फिलहाल एक और डॉट बॉल आती हुई यहां पर बल्लेबाज के बल्ले से, और वापस बढ़ते हुए गेंदबाज, एक बार फिर पीछे गए फील्ड के लिए, नजदीक में है खतरा, हो सकता है वहां पर फील्डर ने तेजी से बॉल को उठाया, थ्रो लगाया निशाने पे, नौसा की एंटर, लेकिन निशाना लगा नहीं। तो यहां पर अंपायर अनुराग कह रहे हैं कि नीतीश वॉकी टॉकी उठाएं, बाहर आए, तब इनको दिल्ली में अंपायर चौकस के नाम से भी जानते हैं, अलर्ट का अर्थ हिंदी में चौकस होता है, बड़े चौकस अंपायर। फिलहाल गेंदबाज वापस चलते हुए गेंदबाजी के लिए, दाएं हाथ से वो द विकेट, अच्छा खेला आगे की ओर सीधे बल्ले से, फील्डर मौजूद है, रन नहीं मिलेगा। अंकुश अब यहां पर राजीव सुमन अपने ओवर की अगली बॉल के साथ 83 जा पहुंची है रन संख्या। प्रदीप पंडित के आउट होने के बाद खेमे में फिलहाल कुछ शांति खामोशी। एक बार फिर अच्छा बॉल ऊपर आया, लगी बॉल उनके ग्लब्स में ऊपर लगी, जैसे बल्ले के नेक में, बल्ले के गले में बॉल लगी, भाग्यशाली है ज्यादा देर हवा में नहीं रही। ओवर नंबर 11 की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर जो रन संख्या वो जा पहुंची है 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 83 रन, 139 रन शेष रहते हैं, 54 गेंदे अब शेष है। दिलीप कुमार आए हैं गेंदबाजी के लिए, नाम दिलीप कुमार, एक अभिनेता हुआ करते थे बॉलीवुड में, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार, कई फिल्में उनकी बड़ी सुपरस्टार रहे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, एक लंबा कैरियर रहा उनका सिनेमा जगत में। तो ये नाम जब आ जाते हैं तो फिर आकर्षण होना लाजिमी हो जाता है। दिलीप कुमार कैच अच्छा पकड़ा दिलीप ने इस प्रतियोगिता में, उनका मात्र दूसरा कैच लेकिन महत्वपूर्ण कैच, कई बार कैच आप बेहतरीन पकड़े
लेकिन कई बार कैच महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब बल्लेबाज का स्तर बड़ा कमाल का हो, बेहद रुतबेदार बल्लेबाज का जब आप कैच पकड़ते हैं ना, जैसे सिद्धार्थ शर्मा एक रुतबेदार बल्लेबाज, प्रदीप पंडित एक बड़े रुतबेदार बल्लेबाज हैं, क्योंकि ये गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम। ऑफिस सबके बाहर बढ़िया कट किया और वहां पर संजय नेगी मौजूद, अच्छा रोका बॉल को थर्ड बैट के एरिया में, रन नहीं आएगा। दिलीप की यह बॉल डॉट रही, वापस एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए, अच्छा शॉट यहां पे, क्या चार रन होंगे, फील्डर दूर से पहुंचे बॉल पर, एक ही रन मिलेगा दूसरा नहीं, लग रहा था कि चार रन होंगे लेकिन जी नहीं, एक रन से काम चलाया प्रिंस ने और अब अंकुश के पास स्ट्राइक। तो इधर संदीप भारद्वाज से उम्मीद कर रहे हैं कि पांच विकेट लेंगे सुमन, अब ये तो वक्त बताएगा। ऑफ सबके बाहर का बॉल बढ़िया गैदर किया, विकेट कीपर अनिलेश्वर कप्तान है टीम के, फिर अच्छा बॉल ऊपर का। अब अंकुश का अंदाज बदल चुका है बल्लेबाजी का, जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे थे पहले ओवरों में, अनिलेश्वर की गेंदबाजी, दिलीप की गेंदबाजी की खासियत यह है उनके पास गति नहीं है लेकिन एक नियंत्रण है बॉल को, जो पिच करने का जो उनका सेंस है, जिस प्रकार से बॉल को पिच करते हैं तो बल्लेबाज को बाहर निकलना उतना सरल नहीं होता। वापस गेंदबाज चले, ये बढ़िया ग्लांस, पीछे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा दूसरा नहीं, और ये लीजिए दूसरे के लिए मुड़े लेकिन मिलेगा नहीं। फिलहाल एक और ओवर के समाप्ति और रन संख्या जा पहुंची है इस समय, ओवर नंबर 12 की समाप्ति हो चुकी है और रन संख्या इस समय 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 87 रन। अब यहां से 135 रन चाहिए बाकी बची हुई 48 गेंदों पर, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसका ग्राफ 15 से ऊपर 16 के करीब। गेंदबाज सुमन डॉट बॉल, हमारे देश अभी थोड़ी देर में हमारे बीच हमारी सम्मानित अतिथि माननीय मुख्य अतिथि नारी शक्ति श्रीमती राजकुमारी, जो इसी मेंबर है दरअसल, लगातार 30 डे वर्क उनका चयन हुआ है इसी मेंबर में, क्षमा कीजिएगा मैं दरअसल कोर्ट मेंबर समझ चुका था, कोर्ट मेंबर के जो चेयरमैन होते हैं दरअसल गवर्नर, लेकिन इसी मेंबर होना भी और वो भी लगातार तीसरी बार तो इतना सरल नहीं है। काफी देर बाद इस शॉट को खेला ऊपर का बॉल, हालांकि उतनी टाइमिंग नहीं बनी, चार रन से काम चलाना पड़ेगा, जितना तेज बल्ले को चलाया था लग रहा था कि अगर मिडिल हो जाती तो फिर जी हाँ, बॉल बॉय रिंकू रामेश्वर बिल्कुल काफी अलर्ट, जैसे यहां ये बंदर अलर्ट होते हैं बिल्कुल वैसे ही। वापस गेंदबाज स्टीयर करना चाह रहे थे, बॉल बल्ले से लग के आगे की ओर गई, रन तलाश रहे थे, प्रिंस मना किया, वापस गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी के लिए, बढ़िया निकले कट किया है अनिल संजय नेगी मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा है, लग रहा था एक रन तो आएगा लेकिन जी नहीं, ये फील्डिंग का स्तर बताता है, जब बल्लेबाज जानते हैं किस स्तर के फील्डर हैं, अगर यहां पर वो रन के लिए जाएंगे तो रनआउट की संभावना होगी, प्रिंस का डेंजर एंड था। फिलहाल 89 समय रन संख्या 13वां ओवर प्रगति पर, राजीव सुमन के इस बॉल को बढ़िया शॉट, सीधा 6 रन, बिल्कुल अंपायर के सिर के ऊपर से पंच जड़ा जैसे, लाजवाब छक्का,
तो अंकुश के 6 रनों की मदद से रन संख्या 95 जा पहुंची ओवर नंबर 13 में। 127 रन चाहिए, 44 गेंदें शेष रहती है। राजीव सुमन का अंतिम ओवर है, 3 सफलताएं उन्होंने अर्जित की है, 27 रन अब तक खर्च कर लिए हैं। वापस गेंदबाज चले, एक बार फिर 6 रन और मारना चाह रहे थे उसे कहीं और, लेकिन बॉल कहीं और गई, लेकिन गई वहां जहां उसी तरीके से जितना जो वो चाह रहे थे। 6 रन और 100 रनों का आंकड़ा पार, 101 जा पहुंची रन संख्या इन 6 रनों की मदद से। वापस तैयार गेंदबाज, लाइव टेलीकास्ट है और आपकी आवाज भी आ जाती है इसमें। फिलहाल तैयार गेंदबाज, ओवर द विकेट, ये अच्छा अंदर का बॉल सीधे बल्ले से खेला ऑन साइड में, इसी के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। ओवर नंबर 13 की समाप्ति पर 102 रन, 120 रन चाहिए अगले 7 ओवरों में। 17.14 रन प्रति ओवर की रफ्तार से, तो अब देखना है कि 120 रन क्या ये बन पाते हैं अगले 6-7 ओवरों में। क्रिकेट है, दिलीप आ रहे हैं, तो प्रिंस के अंकुश के पास स्ट्राइक रहेगी क्योंकि अंतिम बॉल पे उन्होंने सिंगल लिया था और 44 पे खेल रहे हैं अंकुश। 22 गेंदों पे 1 चौका, 5 छक्के उनके बल्ले से निकले, 200 का स्ट्राइक रेट। हालांकि प्रकाश ये अच्छा शॉट, हालांकि एक ही रन मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा, तो नहीं लिया रन, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं दरअसल अंकुश, क्योंकि जो करना है बुद्धि को करना है। तो प्रकाश और प्रिंस चलते हुए गेंदबाज, ये शॉट अच्छा, 6 रन, जैसे देखा थोड़ा ऊपर का बॉल है, क्या बेहतरीन शॉट खेल दिया 6 रन के लिए, शानदार अर्धशतक पूरा होता हुआ यहां पर बल्लेबाज अंकुश देस्टा का। मात्र 24 गेंदों पे 50 रन, 1 चौका, 6 छक्के, 208.3 के स्ट्राइक रेट से। तो हमारे बीच हमारी माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती राजकुमारी नारी शक्ति मातृशक्ति यहां पहुंच चुकी है, एसी मेंबर समर हिल यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत अभिनंदन। एक और 6 लिख लीजिए स्कोरर, क्या कहना है यहां पर, ऊपर का बॉल एक बार फिर सीधा शॉट खेल दिया लॉन्ग ऑन के एरिया में 6 रन के लिए। ऊपर बॉल मिलेगा तो इस बल्लेबाज के पास उस बॉल का बेहतर जवाब है और शानदार रन संख्या जा पहुंची है छक्के की मदद से 114। वापस गेंदबाज, एक बार फिर हवा में, ये लीजिए कैच पकड़ी है जनाब, खतरनाक बल्लेबाज को, सबसे बड़ी उम्मीद को चलता किया दिलीप ने, इसे कहते हैं पलटवार जवाबी हमला। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, तोड़ मारना चाह रहे थे लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं बनी और पवन वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं करी पवन ने उस कैच को लेने में और इस प्रकार से यहां पर विकेट नंबर 7 का पतन। 13.4 ओवर, 114 रन, 7 आउट, गेंदें शेष रहती हैं यहां से, 38 और रन चाहिए 108। तो अब मुश्किल बढ़ती हुई टीम की, हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं हमारे बीच हमारी माननीय मुख्य अतिथि नारी शक्ति मातृशक्ति श्रीमती राजकुमारी जी, इसी मेंबर समर हिल यूनिवर्सिटी यहां पहुंच चुकी है, बड़ी व्यस्तताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, एक बड़े सम्मानित और उच्च पद पर आप आसीन है, लेकिन यहाँ पर आपने इस 5वें वाइस चांसलर T20 डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट की गरिमा को बढ़ाया, आपकी उपस्थिति से आयोजन समिति में ऊर्जा का संचार हुआ है, आयोजन समिति के हौसले में अफजाई हुई है, हम आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन और इस्तकबाल करते हैं, पूरी आयोजन समिति आपकी ऋणी है। तो विक्रम आए हैं अगले बल्लेबाज, विक्रांत शर्मा, अब देखना है गेंदबाज दिलीप, ये लीजिए एक और विकेट का पतन, कट किया और बैकवर्ड पॉइंट में, फील्डर ने कोई गलती नहीं करी और अब यहां पर डिपार्टमेंट चमक जाएगा, शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कि मुश्किलों का इजाफा होता हुआ, क्योंकि अब टीलेंडर्स क्रीज पर रहेंगे। कट किया, हवा में चला गया उनका शॉट और बल्लेबाज आए और गए और दिलीप कुमार को इस ओवर में मिलने वाली जब 2 लंबे लंबे छक्के लगाए, लेकिन उसके बाद 2 विकेट लेके जिसे जवाबी हमला कहते हैं ना, वो जवाबी हमला किया, पलटवार काउंटर अटैक।
तो अब देखना है कि अगले बल्लेबाज कौन आते हैं और क्या करते हैं। सचिवालय की टीम फिलहाल सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते हैं क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अब बल्लेबाजी वाली टीम को अपना साहस और हिम्मत दिखाना होगा, अपना जज्बा दिखाना होगा। वो कहते हैं ना कि जिनमें हिम्मत होती है वो मौसम और जमाने के सितम सहते हैं, क्योंकि तूफान आने पर पत्ते तो झड़ जाते हैं मगर पेड़ खड़े रहते हैं। तो यूं कह लीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपनी मजबूत जड़ें यहाँ पे दिखानी होंगी और करना होगा कुछ असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तभी बात बन पाएगी। क्योंकि यहां से शेष जो गेंद रहती है वो 37 है और 108 रन, यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है 17.51 रन प्रति ओवर की रफ्तार से। और पुष्प ठाकुर आए हैं, अब देखना है कि पुष्प क्या करते हैं। वापस क्रॉस गए, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील जी नहीं, खारिज किया अंपायर ने। की ओर का बॉल था। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 14 की समाप्ति हो चुकी है। 114 रन, अब 36 गेंदे शेष है, 18 रन, 108 रन चाहिए, यानी कि 18 रन प्रति ओवर की रफ्तार से ये रन बनाने होंगे। अब प्रिंस के पास स्ट्राइक रहेगी, गेंदबाजी में देखना है कि अब कोई नया गेंदबाज आना लाजिमी है, क्योंकि पिछले ओवर में जो पिछला ओवर डिलीवर किया था वो राजीव सुमन ने किया था और उनका 4 ओवर का कोटा पूरा हो चुका है। उनका गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 34 रन और 3 विकेट फिलहाल। उधर से गेंदबाजी में पवन कुमार आ रहे हैं, पवन ने आज अच्छी गेंदबाजी करी, 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 18 रन और 1 विकेट उनका गेंदबाजी का विश्लेषण है अब तक का। अजय अमराटे ने भी इसके अलावा 3 ओवर गेंदबाजी की, उन्होंने भी 3 ओवर में 18 रन खर्च किया और एक सफलता अर्जित करी। अमित ठाकुर के 2 ओवर शेष रहते हैं, दिलीप कुमार के 2 ओवर शेष रहते हैं, मात्र 5 गेंदबाजों को लेकर के चले हैं। यहां पर गेंदबाज बढ़िया का चौट, लेकिन मौका नहीं, 2 रन मिलेंगे प्रिंस के बल्ले से। थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट में थे, फील्डर गए थे बॉल की ओर लेकिन पहुंच से दूर रही, 2 रन जरूर मिलते हुए शरीर के दूर से अच्छा बल्ला चला है। रन संख्या जा पहुंची 116 इन 2 रनों की मदद से। वापस गेंदबाज दाएं हाथ से वो द विकेट गेंदबाजी के लिए चले, अच्छा ग्लाइड किया पॉइंट एरिया में, रन तलाश रहे हैं लेकिन मिलेगा नहीं। फील्डर को देख लिया था, तेजी से बॉल उनकी ओर जा रही है और फील्डर भी बॉल की ओर तेजी से आ रहे हैं। यहां पर रन लेने का फैसला करेंगे तो फिर वो नुकसानदायक होगा, तो बेहतर है कदमों को रोका, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। यह बढ़िया कट और यहां पर संजय नेगी मौजूद, कोई गलती नहीं और विकेट नंबर 9। तो यहां पर मुश्किल विकराल रूप लेती है ऑफिसम के बाहर की बॉल को, और संजय नेगी वहां पर पुराना चावल, पुराना बासमती, कोई गलती नहीं करी उस कैच को लेने में, और इस प्रकार से विकेट नंबर 9। अब क्या औपचारिकताएं हैं इस मुकाबले की, क्योंकि 106 रन बनाने हैं। अंतिम जोड़ी चमत्कार को नमस्कार, अंतिम जोड़ी क्या ये कमाल कर पाएगी, क्योंकि गेंदे बहुत कम हैं, यहां से गेंदे मात्र 33 रहती है शेष और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है इस समय 19.27। तो क्या हो पाता है ये देखना है, करना तो होगा। क्या यहां से टीम एजुकेशन विदा लेने जा रही है, एक फेवरेट टीम इस प्रतियोगिता में। वापस गेंदबाज चलते हुए, प्रदीप सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकुश दोस्ता। प्रदीप सावंत जी का मैसेज आया था अंकुश आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकुश देशता। प्रदीप सावंत जी आज ये भी एक थोड़ा सा बड़ा वो रहा कि काकू राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। संदीप सावंत कह रहे हैं वेल प्लेड अंकुश देशता, मिस द मैच, बिल्कुल आपको यहां सबने मिस किया। बढ़िया पटका हुआ बॉल, अंतिम बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं। ये जरूरी नहीं कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ खेलने चाहिए। और प्रदीप सावंत जी जिस तरीके से आपका प्रदर्शन रहा पिछले के मैचों में, और यही कारण रहा कि टीम ने सेमी क्वार्टर फाइनल तक का सफर अभी तक तय किया है। तेज शॉट, हालांकि स्थिति इस समय पक्ष में नहीं है, लेकिन
तो एक रन और आता हुआ वापस गेंदबाज बढ़ते हुए गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ से वो तो विकेट चले ऊपर का स्लो बॉल तेज शॉट लगाना चाह रहे थे बल्लेबाज कामयाब नहीं। तो इसी के साथ 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। 15 ओवर के समाप्ति पर रन संख्या 117। अब 5 ओवर में 105 रन चाहिए यानी कि जो अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो 21 रन प्रति ओवर की रफ्तार से वो रन यहां पर बनाने होंगे। दिलीप फिलहाल वापस आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए और देखना है कि दिलीप क्या कुछ करते हैं। हमारे बीच एक बार फिर बता दें नारी शक्ति मातृशक्ति श्रीमती राजकुमारी जी इसी मेंबर समर हिल यूनिवर्सिटी इस समय वीआईपी बॉक्स की गरिमा को बढ़ा रही है। ये बढ़िया शॉट 6 रन दूर से यहां पर रोहित के बल्ले से 6 निकला। तो ये फिलहाल इस प्रकार से अगर लगातार कर जाते हैं तो फिर मैच में वापस ला सकते हैं लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं, गलतियों से बचना पड़ेगा। वापस दिलीप रन दो विकेट चले एक बार फिर ऊपर का बॉल और ये वापस 6 रन बैक टू बैक 6। जैसे देखा फ्लाइटेड बॉल है बॉल की पिच पे आए हाफ वॉली में लिया लॉन्ग ऑन को क्लियर किया फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 129 जा पहुंचे रन संख्या। जी हाँ 2 छक्के लगा करके यहां पर बल्लेबाज रोहित ने बताया कि अभी भी मुकाबले में बहुत कुछ रहता है। यहां पर अंदरूनी किनारा विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए अन्यथा यहां पे लीजिए ये क्या हुआ भूल गए थे कि उन्हें क्रीज के अंदर जाना है। मैं नहीं मानता कि यहां पर वो नॉट आउट है। हालांकि अंपायर ने तीसरे अंपायर की ओर फैसला दिया है शॉट खेला था कट के लिए गए थे और वहां पर बॉल विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए आगे की ओर गई विकेट कीपर बॉल को लेने के लिए गए और बल्लेबाज वापस क्रीज में लौटना भूल गए दरअसल। और ये देखिए वे बॉल को उठाया और सीधा स्टंप पे थ्रो किया और कहां टहल रहे हैं शायद माल रोड में। तो इस प्रकार से यहां पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई 129 रन बना करके और 93 रनों के विशाल अंतराल से इस मुकाबले को जीत लिया है यहां पर टीम हिमाचल प्रदेश सचिवालय ने और पहली टीम बनी है फाइनल में प्रवेश करने वाली फिलहाल सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली चमक जी अंतिम 4 में स्थान पक्का कर लिया है फिलहाल। अब यहाँ पर थोड़ी देर में हम मिलते हैं आपसे प्रेजेंटेशन एरिया में जहां पर हमारे साथ हमारी माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती राजकुमारी जी इसी मेंबर समर हिल यूनिवर्सिटी उनके द्वारा आज के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वे जल्दी से प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएंगे। टीम एजुकेशन कैप्टन हेमंत पूरी टीम को लेकर के
फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो मुकाबला यहां पर खेला गया, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पांचवें वाइस चांसलर T20 डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट का वो मुकाबला यहां पे फिलहाल समाप्त हो चुका है और 93 रनों के विशाल अंतराल से हिमाचल प्रदेश सचिवालय ने शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश को हरा करके अंतिम चार में प्रवेश कर लिया है। कुल मिलाकर के एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, एक अच्छी खेल भावना देखने को मिली। फिलहाल यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया जाना है और हमारे बीच इस मौके पर नारी शक्ति मातृशक्ति श्रीमती राजकुमारी जी जो ईसी मेंबर हैं, जो इलेक्ट होती हैं बाकायदा इलेक्टेड मेंबर और लगातार तीसरी बार उनका चयन हुआ है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। वो कहते हैं ना कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी क्या बिसात कि हम आपका वो सम्मान कर सके। यहाँ पहुंच करके आपने पूरी आयोजन समिति को सम्मानित किया है, जोरदार तालियां हो जाए श्रीमती राजकुमारी जी के लिए। चेयरमैन यहाँ पर HP यूनिवर्सिटी रिक्रिएशन एंड वेलफेयर क्लब के चेयरमैन श्री ललित चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक प्रतीक चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पर कुमारी से मुखारविंद से आशीर्वचन प्रदान करें। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जो ये रिक्रिएशन क्लब के ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये अध्यक्ष हैं यहाँ पर, इनको साधुवाद कहूँगी कि आपने इतना अच्छा ये जो कार्यक्रम यहाँ पर अरेंज किया है, क्योंकि मैं इनॉग्रेशन वाले दिन भी थी यहाँ। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको मुबारक हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उस दिन तो बोलने का मौका नहीं मिला। बहुत ही एक जो बोलते हैं कि किस सूझबूझ के साथ आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा, उसके लिए मैं मुबारक हूँ। मैं थोड़ी बिजी थी, बीच में भी आना चाहती थी, आ नहीं पाई, लेकिन आज छुट्टी थी तो मुझे निकाल सकती हूँ टाइम, क्योंकि कल भी छुट्टी है। आने के लिए आपका मैं यहाँ पर, तो हमारे डिपार्टमेंट के हम भी एजुकेशन से संबंध रखते हैं, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम विल बी बेटर। और पार्टिसिपेशन की बहुत बड़ी बात होती है, जब दो टीम खेलती है तो एक जीतती है एक हारती है। हमें हमेशा खेल की भावना, कोई आप करते हो मैं देखती हूँ। और 2016 में भी जब हमारी जो यूनिवर्सिटी की टीम्स बाहर गई थी खेलने और वाइस चांसलर कप लेके आई थी, तो हमने खूब जश्न मनाया था। मैं तो अभी भी पॉजिटिव सोच रही हूँ, गुड लक सबको कहूँगी, लेकिन इच्छा रखूँगी कि टीम हमारी ही विजयी हो। तो इतना कहूँगी, और खेल खेलो, खेल की भावना से खेलो, यही खेल का मकसद होना चाहिए। मैं अपने टाइम की बात कहूँगी कि हम जब बच्चे थे, छोटे थे, लड़कियाँ किसी और किस्म का खेल खेलती है, बॉयज़ किसी और तरह का खेल खेलती हैं। हमारे खेल होते थे लड़कियाँ, हम घर घर खेलती थी और गुड़ियों से खेलती थी, और जो बॉयज़ होते थे वो कंचे गिल्ली डंडा वगैरह खेलते थे। और उसके बाद बहुत साल हो गए, क्रिकेट की हिस्ट्री तो क्या बताऊँ, आपको खुद ही पता है क्योंकि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हो। तो इतना है कि मैं इतना कहूँगी कि ऑफिसेज में काम करते हुए आप विभिन्न विभागों से हैं, जब फाइलों से आप ऊब जाते हो, ऐसे तो हमें उबना नहीं चाहिए पर फिर भी होते ही है, कई बार ट्रैक से बाहर जाने को मन करता है, एक ही काम में 32 से 34 40 साल तक हम एक ही काम को करते रहते हैं, फाइलों में उलझे, और उससे बाहर निकल के जब ये सब करने को हमें मौका मिलता है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और खेलने की कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा खेलते रहो, खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं, ये भी मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद पता है। अब हम तो इतने बड़े हो गए, हमारा भी दिल करता है खेलने का, लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ महिलाएं ज़्यादा खेल में रुचि नहीं रखती है, क्योंकि शादी होगी, घर के कामों में व्यस्त हो गए, घर के काम करने में ही उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। जेंट्स भी करते हैं, आजकल ज़माना चेंज हो चुका है, जेंट्स भी घर के कामों में हाथ बटाते हैं, लेकिन फिर भी आज जब आप यहाँ पर
में हो तो आप किसी महिला की वजह से ही हो, क्योंकि वो आपका घर संभाल रही है, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो आपकी, चाहे वाइफ हो, घर संभाल रही है तो आप आए। और मेरी तो अलग बात है कि मैं तो घर का काम करके भी आई हूँ आपके बीच आपको उत्साहित करने के लिए। और मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से खेलें, और आप सेमीफाइनल में पहुँच चुके हैं सेक्रेट की टीम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीमों से भी आगे टीम जाएगी, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ। ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप सबको गुड लक कहती हुई बस यहीं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती राजकुमारी जी। और अब कप्तान प्लीज। विपक्षी टीम को स्टार्ट अच्छा मिला, मिडिल ऑर्डर अच्छा काम कर गया, आपका वो एरिया दरअसल थोड़ा सा फ्लॉप रहा। हालांकि मिडिल ऑर्डर में अंकुश ने तो अच्छा काम किया, लेकिन शुरुआत जो थी वो नहीं मिल पाई आपको, यही कारण रहा कि नतीजा आपके खिलाफ है, मानते हैं? हाँ, आपको एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जाते जाते कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगा टूर्नामेंट, कैसी रही यात्रा? बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निमंत्रण आपके लिए कि 17 तारीख को फाइनल मुकाबला है, आपकी पूरी टीम सादर आमंत्रित है, और हो सके तो आप सपरिवार यहाँ आइएगा। कैप्टन अनिलेश्वर जी, एक रेगुलर कप्तान के बिना जीतना अलग ही जो है मजा देता है, आनंद देता है। तो टीम स्पिरिट के साथ खेलना है, ये चीज आपको आपके खिलाफ भी फैसला जा सकता था आपने। बट इसके अलावा मैं एक और चीज कहूंगा कि विक्रांत और पवन ने जो स्टार्ट दिया हमें आज बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जो सुमन की पारी थी वो तो सब लोगों ने देखी है, मतलब कुछ मतलब लाजवाब पारी कहेंगे उसको। ये सेमीफाइनल मुकाबले के लिए आपको शुभकामनाएं। और अब आज के मैन ऑफ द मैच, शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और चार ओवर में 3 विकेट लिए सुमन, आए प्लीज ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमारी माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती राजकुमारी जी से प्राप्त करें। सुमन, एक समय लग रहा था कि शायद 160-170 रन बनेंगे, लेकिन वास्तव में वहां पे आपका जो बल्ला अच्छा चल गया, क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? वैसे तो स्टार्ट अच्छा दिया था हमारे, तो मुझे थोड़ा सा एक्सीलरेट करना था, और जैसे ही मतलब कि एक दो बॉल स्वीट स्पॉट पे लगी बैठ के, तो लगा कि कुछ होगा, आज धमाका होगा। चलो तो चलता गया, बाकी हमने काफ़ी अच्छा स्कोर दिया था, और हमें पता कि ज़्यादा हो भी सकता है कि अगर हम इनके मेन बैट्समैन को नहीं तो काफ़ी करीब जा सकता है। तो वैसे अंकुश जी, देष्टा जी बहुत अच्छा खेले, कंग्रेचुलेशंस। और बाकी पवन जी, हाँ मेन जो अविनाश जी का और सतीश जी का विकेट था, हमें क्या मिटाएगी ये गर्दिश जमाने की, हमें तो आदत है गम में मुस्कुराने की, फलक को चाह है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी चाह है वहीं पर अपना घर बनाने की। तो थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैं शेर दोहरा रहा हूँ आपके शेर पे कि मुझ में और किस्मत में बस यही है एक जंग, मैं उसके फैसले से तंग, वो मेरे हौसले से दंग। मैं यहाँ पे हमारे से कम बोलते हैं आज जरूर, क्योंकि इतनी मेहनत की है और बड़ा सफल आयोजन हो रहा है। वो कहते हैं ना, बिना चर्चे शहर
चर्चे, शहर की हर गली में चर्चे, बस वही हो रहा है इस टूर्नामेंट के साथ साथ अन्य राज्यों से प्रपोजल आने लगी है कि इस टूर्नामेंट का स्वरूप ऑल इंडिया बनाया जाए, जहां से अन्य राज्यों के अन्य विभागों की टीम यहाँ खेल सके। तो मैं ललित जी को आमंत्रित करता हूँ। ललित जी आइए। थैंक यू अलंकार सर। मैं अपने HPU नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज रिक्रिएशन एंड वेलफेयर क्लब की ओर से हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि इस मैच के श्रीमती राजकुमारी जी, सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, जो कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों, जैसा कि इन्होंने बताया कि घर के काम निपटा के ये हमारे बीच में पहुंचे, मैं अपने क्लब की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि ये हमें इस मैच के लिए हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आए। और साथ ही मैं इस मैच के जो फर्स्ट क्वालिफाई जो टीम हुई है HP सेक्रेटरी, उनको बधाई देता हूं कि वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और साथ ही मैं अपने पूरे क्लब की ओर से टीम एजुकेशन, जो हमारी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की एक टीम थी और जो इस प्रतियोगिता में आई, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे इस प्रतियोगिता में हिस्सा बनी। मैं इनको भविष्य के लिए, जब भी हम इसे फिर से इसका आयोजन करेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो पार्टिसिपेट, ऐसी आशा है। जो भी हमारे से कुछ इस टूर्नामेंट में कुछ गलतियां हुई, हमें क्षमा करें, पर हम अब इस टूर्नामेंट को बेहतर, एक प्रयास रहा है कि हम इसको बेहतर एक टूर्नामेंट करवाएं, मतलब अपने क्लब की तरफ से। तो मैं पुनः धन्यवाद करूंगा मैम का कि आप इस मैच के लिए हमारे को आपने समय दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। राजकुमारी, लेकिन मैं असलर की राजकुमारी नहीं हूँ, फिर भी मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं इस कार्यक्रम को आयोजन कराने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से। चलिए श्रीमती राजकुमारी जी, आपने समझा है, जानती हैं कि ये प्रतियोगिता दरअसल एक प्रतियोगिता मात्र नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश का एक सम्मान है, प्रतिष्ठा है, और इस प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए आप अपने ओर से सहयोग करने का वादा कर चुकी हैं। पूरी आयोजन समिति ईश्वर से आपके स्वर्णिम और यशस्वी भविष्य हेतु मंगल कामनाएं करती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे, सुबह 9 बजे आप हमारे साथ DA स्पोर्ट्स फैक्ट्री के पेज से जुड़ जाइएगा। मैं अलंकार गौतम, कैमरामैन विवेक के साथ एक बार फिर आपको DA स्पोर्ट्स फैक्ट्री के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। धन्यवाद।